नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु। कल टीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें देश की राजनीति में हो रही उठापटक का विश्लेषण वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा किया गया। इस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। आइए देखते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश। साभार। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जिन झटकों की, उसकी शुरुआत चलिए करते हैं झारखंड से, जहां आज जबरदस्त सियासी गहमा गहमी रही। एक तरफ राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर राजधानी रांची पहुंचे, झारखंड की राजधानी रांची, और वहां जनसभा की, जिसमें उन्होंने बीजेपी की पोल और दलितों आदिवासियों को लेकर बीजेपी की सोच जनता के सामने खोलकर रख दी है। और दूसरी तरफ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी विधानसभा में बीजेपी को जबरदस्त तरीके से घेरा है। आपको याद दिला दूं कि आज झारखंड विधानसभा में चंपाई सोरेन सरकार को फ्लोर टेस्ट का सामना करना पड़ा, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों की एकता ने बीजेपी के सत्ता पलटने के मंसूबे फेल कर दिए। झारखंड के अलावा बीजेपी को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से भी लगा है, जहां चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो धांधली हुई है, उस धांधली के आरोपों की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत यानी सर्वोच्च अदालत या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह स्पष्ट है कि रिटर्निंग अधिकारी ने मत पत्रों को विकृत किया है। कोर्ट ने सवाल पूछा कि क्या इसी तरह से चुनाव का आयोजन होता है? यह लोकतंत्र का मजाक है, यह लोकतंत्र की हत्या है, पूरे मामले से हम हैरान हैं, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और 12 तारीख की जो है अगली सुनवाई की तारीख दी गई है, 12 फरवरी को। और इस बीच बहुत सारे दस्तावेज मांगे गए हैं कोर्ट की तरफ से, उस पर भी चर्चा करेंगे। अब जरा झारखंड सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद लद्दाख चले चलते हैं। उधर लद्दाख में पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर हजारों लोग बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर हैं। खूब एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है, जिसमें अनुच्छेद 370 हटाने का क्रेडिट लेने में जुटी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज बीजेपी को कई सारे झटके एक साथ मिले हैं, लगे हैं, जिसका असर लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बुरा हो सकता है। आपको बता दूं कि बिहार की तरह झारखंड में भी सत्ता हथियाने की सारी चालें बीजेपी ने चली, मगर महागठबंधन पहले से सतर्क था और इस सावधानी के कारण लोकतंत्र एक और दुर्घटना का शिकार होने से बच गया। चंपाई सोरेन ने आज आसानी से अपना बहुमत साबित कर दिया है, उन्हें 47 विधायकों का साथ मिला। और इधर बीजेपी सारा जोर लगाने के बाद भी सत्ता पक्ष के विधायकों को तोड़ नहीं पाई। दरअसल बीजेपी का ऑपरेशन लोटस कई राज्यों में पहले कामयाब हो चुका है, तो उसे उम्मीद रही होगी कि शायद इस बार भी उसे कामयाबी मिल जाएगी, मगर झारखंड में ऐसा नहीं हो पाया। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान हेमंत सोरेन ने जोरदार भाषण दिया, पहले चंपाई सोरेन ने दिया जो अभी सीटिंग सीएम है, अब आज उन्होंने अपना जो बहुमत है वो साबित कर दिया। तो पहले चंपाई सोरेन ने भाषण दिया और उसके बाद हेमंत सोरेन ने भाषण दिया और उसमें बता दिया कि किस तरह उन्हें गिरफ्तार करने का खेल रचा गया और कैसे आदिवासियों और दलितों को हाशिए पर रखने की साजिश बीजेपी जो है वो कर रही है। और आज के हेमंत सोरेन के भाषण से बीजेपी को एक बड़ी चुनौती मिली हुई है, क्योंकि उनके भाषण का असर केवल झारखंड में ही नहीं होगा दोस्तों, बल्कि पूरे देश के आदिवासी समाज पर नजर आ सकता है। आइए जरा सुन लेते हैं हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा, कुछ खास बातें उनकी सुनिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आंसू नहीं बहाऊं, आंसू वक्त के लिए रखूंगा, आप लोगों के लिए आंसू का कोई मतलब नहीं, आदिवासी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासी के आंसुओं का कोई मोल नहीं। वक्त आने पर इनके एक एक सवालों का जवाब और एक एक इनके षड्यंत्र का जवाब वक्त आने पर बड़ी माकूल तरीके से दिया जाएगा। तो सुन रहे थे आप हेमंत सोरेन को, कह रहे हैं कि आंसू उस वक्त के लिए रखूंगा जब इसकी जरूरत है, आज दलितों आदिवासियों पिछड़ों के आंसुओं का कोई मोल नहीं है, और वो अपने आंसू बचाकर रख रहे हैं, ये कह रहे हैं यहां हेमंत सोरेन। कुछ इसी अंदाज में आज रांची की जनसभा में राहुल गांधी ने भी बीजेपी को घेरा है। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना से लेकर निजीकरण के खेल तक
बीजेपी की सारी साजिशों का पर्दाफाश किया। आइए जरा सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। आज मैं अभी सड़क पे था, साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए धकेल कर, साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए धकेल कर भूखे आदिवासी 50 किलोमीटर चल रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। वहां पे आपको आदिवासी मिल जाएगा, वहां पे आपको दलित मिल जाएगा, वहां पे आपको पिछड़ा मिल जाएगा, मगर किसी बड़ी कंपनी में नहीं मिलने वाला, किसी अस्पताल के मैनेजमेंट के ऑफिस में नहीं मिलने वाला। यही हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है, इससे बड़ा सवाल है ही नहीं। और इसीलिए हमारा पहला कदम पूरे देश में जाति जनगणना को करवाने का होगा, और हम पता लगाएंगे इस देश में दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने। तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को, सीधा उसी रांची में, उसी झारखंड में। यहां राहुल गांधी भी गरज रहे थे, उधर सदन के अंदर यानी विधानसभा के अंदर विश्वास मत हासिल करते वक्त एक दिन के लिए जो आए थे इस फ्लोर टेस्ट के लिए अपना मत देने के लिए, हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री, वो जो कुछ बातें कह रहे थे वो भी आपने सुना। आपको बता दूं कि जनसभा से पहले, इधर जब राहुल गांधी रांची में जो जनसभा कर रहे थे उससे पहले राहुल गांधी ने आज हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीर कांग्रेस ने एक्स पर शेयर करते हुए लिखा है कि हम सभी एकजुट होकर न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे। ये देखिए, आज झारखंड में श्री राहुल गांधी से श्रीमती कल्पना सोरेन जी ने मुलाकात की। हम सभी एकजुट होकर न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे, जनता की आवाज बुलंद करेंगे, नफरत हारेगी इंडिया, जीतेगा इंडिया। ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये शेयर किया गया है। और आज झारखंड में वाकई इंडिया की ही जीत हुई है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी की सारी चालें यहां फेल हो गई। इस बारे में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी कहा है कि अपने सर्वोत्तम निष्कृष्ट प्रयासों के बावजूद बीजेपी को असफलता हाथ लगी है, क्योंकि हमने आसानी से फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। यह झारखंड की कहानी है। बीजेपी को आज जिस तरह के झटके मिले हैं वो आगे भी जारी रह सकते हैं, क्योंकि अब एक हफ्ते बाद बिहार में भी फ्लोर टेस्ट होना है। जी हां, 10 तारीख को फ्लोर टेस्ट है बिहार में। लंबा वक्त दिया गया कि साठ गांठ जो भी करना है नीतीश बाबू आप कर लीजिए, बीजेपी कर ले। लेकिन क्या इतना आसान है नीतीश बाबू के लिए इस फ्लोर टेस्ट को पास करना? नीतीश कुमार की पलटने की आदत का फायदा तो बीजेपी ने उठा लिया, आप सबने देखा। वो पलटू राम हैं, पलट जाते हैं, और पलटू राम के साथ ही बीजेपी भी है। बीजेपी को पलटू राम कैसे नहीं कह सकते आप? राम के नाम पर तो बीजेपी क्या नहीं करती है। तो यहां बीजेपी भी तो पलटती रही है। जो बीजेपी कहती रही कि हम अब इनको नहीं लेंगे, वही बीजेपी अब नीतीश बाबू के साथ आ गई, तो क्या कहेंगे? सिर्फ नीतीश बाबू पलटू राम है? चलिए, ये पलटू राम वाली जो पार्टियां हैं एनडीए, अब उसे डर है कि कहीं नीतीश की पार्टी के लोग भी पलटने का खेल न कर दें। दरअसल 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में 122 सीटों से बहुमत साबित होता है, और अभी बीजेपी के 78 विधायक हैं और जेडीयू के 45 विधायक हैं। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की जो पार्टी है, यानी हम पार्टी के जो चार विधायक हैं उनको भी जोड़ लें, क्योंकि वो इनके साथ हैं और एक विधायक निर्दलीय हैं। ये टोटल मिलाकर 128 होते हैं, 122 का खेल है। मगर जेडीयू से 5-6 विधायक अगर टूट गए या जीतन राम मांझी की हम पार्टी का मन बदल गया, तो फिर नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी और सत्ता में आने का मौका आरजेडी और कांग्रेस को और सीपीआईएमएल को मिल सकता है। अपने आंकड़े दुरुस्त रखने के लिए कांग्रेस अभी से अपने विधायकों को रिजॉर्ट में शिफ्ट कर चुकी है, और सारे खेल
जो हैं उस पर लालू प्रसाद यादव नजरें टिकाए हुए हैं, नजरें रखे हुए हैं। यानी अभी एक हफ्ते तक बिहार की सांसें बिहार में जो हैं वो अटकी हुई हैं, और खासकर बीजेपी यहां परेशान है। बीजेपी की सांसें बिहार में अटकी हुई हैं, और सबसे ज्यादा यहां परेशानी में अगर कोई नजर आ रहा है तो वो है नीतीश कुमार, कि करें तो क्या करें। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींद इतनी आसानी से आ जाएगी? उनकी नींद नहीं उड़ी हुई है बिहार को लेकर। 10 तारीख में भी वक्त है और आज 5 दिन इस महीने का बीत चुका है, तो 5 दिन बीत चुकने के बाद और झारखंड में एक मात खाने के बाद क्या बिहार में भी मात मिलेगी बीजेपी को? सवाल तो बहुत बड़ा है। लेकिन उससे पहले जब झारखंड, एक बार फिर से झारखंड चलते हैं, झारखंड में राहुल गांधी जब भाषण दे रहे थे उनकी एक बाइट और सुनाना चाहता हूं। नीतीश बाबू से भी की भी चर्चा करेंगे, खूब चर्चा करेंगे आज, लेकिन एक बात और सुन लीजिए यहां राहुल गांधी की और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं गठबंधन को, सोरेन जी को, हमारे सब एमएलएस को बधाई देना चाहता हूं कि आपने बीजेपी और आरएसएस की जो साजिश थी उसको रोका और यहां गरीबों की सरकार को मेंटेन किया, उसकी रक्षा की। तो साफ साफ एक साथ मिलता हुआ कांग्रेस को जेएमएम का साथ और बहुत ही मजबूत गठबंधन यहां दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर पहले जब गरज रहे थे, जब चुनावी प्रचार कर रहे थे सदन के अंदर से, हालांकि वो जो भाषण था उनका वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने का होता है, यानी वहां नेता सदन जो होता है वो धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात के दौरान उन सवालों का जवाब भी देता है और अपनी बात भी रखता है। लेकिन ये पूरा का पूरा, चूंकि इसके बाद मौका नहीं मिलने वाला सदन के अंदर से आधिकारिक बयान यहां से ये माना जाता है, और प्रधानमंत्री जी ने आज आधिकारिक बयान दिया है। बहुत सारी बातें उन्होंने वहां एक बात रखी, 370 जो हटाया कश्मीर से वो हम थे, और अब की बार हम यानी अकेले बीजेपी अपने दम पर 370 सीट लाएगी और एनडीए 400 से ज्यादा सीटें लेके आएगी। एक आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है बीजेपी को और एनडीए को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि ये चुनाव तो अब वो जीत चुके हैं, और इस पूरे भाषण में वैसे ही नजर आए वो कि हम अब चुनाव जीत चुके हैं, अगली सरकार हमारी 1.5-2 महीने में बनने वाली है, उसके बाद आमूलचूल परिवर्तन आप देखेंगे इस देश में। ये सब कहते हुए सुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके अलावा अब बहुत सारी बातें इधर उधर जैसे लपेटते हैं आप जानते हैं, लेकिन इन तमाम बातों के अलावा बातें यह हैं कि क्या बिहार में मोदी जी, उनकी रणनीति, उनकी पार्टी मात खाने जा रही है। 10 नहीं बल्कि 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है बिहार में, पटना में। उस फ्लोर टेस्ट में क्या नीतीश बाबू की सरकार जो बीजेपी के संग है वो पास हो जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। सवाल यहां बीजेपी के इर्द गिर्द झारखंड में भी घूम रहा था। जो भी जिस भी ढंग से बीजेपी ने कोशिश की लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाई। दूसरा एक सबसे बड़ा सवाल, जब से एक छोटा सा इलेक्शन जिसका जिक्र पहले कर चुका हूं चंडीगढ़ में हुआ, मेयर का चुनाव, उस चुनाव में जैसी धांधली हुई और उसके बाद जो रिएक्शंस आए, क्या उस रिएक्शन का जो रिएक्शन है सुप्रीम कोर्ट में वो उसको भी एक झटके के तौर पर देखा जाए, और उसका भी फैसला 12 को आना है। तो एक फैसला बिहार में 12 को होना है बिहार सरकार का, और एक फैसला सुप्रीम कोर्ट से भी होना है कि आप किस ढंग से चुनाव करा रहे हैं। और चुनाव जब आप करा रहे हैं तो आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव सबसे बड़ा देश का चुनाव है उस चुनाव में आप कितनी धांधली करेंगे इससे भी पर्दा उठ जाएगा शायद 12 तारीख को। तो आइए दोस्तों आज इस झटके की बात करते हैं। इस न्यूज पॉइंट में आज चर्चा करेंगे कि क्या दूसरों को झटका देकर सत्ता हथियाने वाली बीजेपी के खेल के दिन अब पूरे हो गए हैं, क्या अब लोकतंत्र का पहिया बीजेपी की चालाक रणनीतियों को रौंदता हुआ आगे बढ़ चुका है। बहुत सारी बातें और इन बातों का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं उन सबके जरिए। आइए देखिए हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं हमारे साथ, सुनील शुक्ला जी हैं हमारे साथ, प्रशांत टंडन जी हैं हमारे साथ, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं। आप 5ों साथियों का स्वागत करता हूं और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधा आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास ही। बहुत सारी बातें झारखंड से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वाया बिहार, कैसे देखते हैं आप, क्या कुछ देखते हैं, क्या यहां झटके पे झटका है? हां अगर दिल्ली आते हैं सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो रास्ते में संसद भी है, वहां भी जरा चले चलेंगे।
नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन में शामिल ईडी, आईटी, सीबीआई, निर्वाचन आयोग, पूरी मशीनरी जो घटक दल के रूप में एनडीए में शामिल है, उन सब के लिए आज का दिन बहुत भारी रहा होगा। आज की तारीख उन्हें बहुत दिनों तक याद रहेगी। एक दिन में दो बड़े झटके, थोड़ा मुहावरे की भाषा में कहा जाए तो दो करारे तमाचे लगे हैं इस गठबंधन के दोनों तरफ के गालों पर। एक झारखंड से बहुमत का आंकड़ा तमाचे के रूप में और दूसरा सबसे बड़ी अदालत से लोकतंत्र की हत्या जैसे जुमले का इस्तेमाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा किया। ये दो झटके ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि देश को अब अच्छी तरह ये समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनकी लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है। झारखंड में जो कुछ हुआ पूरे देश ने देखा, किस तरह ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, किस तरह राजभवन बहुमत के नेता को शपथ लेने के लिए, सरकार बनाने के लिए न्योता देने में हीलावाली करता रहा, और किस तरह पटना में चंद मिनटों और घंटों में शपथ दिला दी गई नीतीश कुमार को, यह भी देश ने देखा। और चंडीगढ़ में पीठासीन अधिकारी ने जो कुछ किया वो कैमरे में दर्ज होकर पूरी दुनिया के सामने रहा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद देखा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा ही है ये सब कि वो कैमरे में देखकर जो कुछ कर रहा था वो लोकतंत्र का मखौल है, लोकतंत्र की हत्या है। मैं चंडीगढ़ के मसले में छोटा सा एक छिपक जोड़ना चाहता हूं राजीव जी। जी, हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारी सबसे बड़ी अदालत, जेर बहस कई सारी ऐसी बातें कहता और करता है जो बाद में फैसले में दिखाई नहीं देती। आपको महाराष्ट्र का मसला याद होगा, महाराष्ट्र के मामले में न जाने क्या क्या कहा गया, फैसले में भी कहा गया विधानसभा अध्यक्ष का फैसला गलत है, ऐसा हुआ, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन सरकार चलती रहेगी। ये अजीब तरह का न्याय है। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत तो ये कहता है, डिवाइन जस्टिस तो ये कहता है कि अगर आपने सब कुछ गलत माना था तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार चलती कैसे रही। सरकार उसी दिन उस टिप्पणी के साथ ही नल एंड वॉइड क्यों नहीं हो गई, बर्खास्त क्यों नहीं हो गई। जी, मुझे चंडीगढ़ के मामले में भी ये देखना है, मुझे भी और देश को, कि जो कुछ कहा गया कायदे से तो आज शाम को सूरज डूबने से पहले उस कथित पीठासीन अधिकारी को के खिलाफ मुकदमा दर्ज होकर उसे सलाखों के पीछे होना चाहिए था। ये जघन्य अपराध है इस लोकतंत्र के पूरे प्रांगण में, लोकतंत्र की व्यवस्था में, कि आप गलत तरीके से मतपत्रों को रिजेक्ट करके अपात्र को जिता दें। कुल मिलाकर आज का जो परिदृश्य था वो इतना भारी था कि उसका शायद कुछ प्रभाव माननीय प्रधानमंत्री के भाषण में दिखाई दिया। आपने कहा कि जब दिल्ली तक आएंगे तो संसद भी रास्ते में पड़ेगी, तो हमने संसद में वो प्रदर्शन भी देख लिया। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री को, नेता सदन को उत्तर देना होता है, उन बिंदुओं पर बात करनी होती है। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में कहा, 50-60 हमारे साथियों ने अपना संबोधन दिया, भाषण दिया, लेकिन वे पूरा समय गांधी नेहरू परिवार पर बोलते रहे। महंगाई का की बात कर रहे थे, कांग्रेस आती तब महंगाई आती, महंगाई आजादी के बाद इतिहास में चरम पर है इस वक्त, वो महंगाई शायद नरेंद्र मोदी जी को नहीं मालूम। आज एक और बड़ा जबरदस्त वाकया हुआ कि जब वे परिवारवाद का उल्लेख कर रहे थे तब कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई और बाकी लोगों ने उन्हें बीजेपी के परिवारवाद की याद दिला दी। वहां अवसर नहीं रहा होगा, हमारे पास भी समय कम है राजीव जी, वरना इतनी लंबी फहरिस्त है बीजेपी के परिवारवाद की। खुद नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में कितने सारे सुपुत्र और सुपुत्रियां शामिल हैं, ये भी याद दिलाने की जरूरत है। तो मुझे कुल मिलाकर लगता है कि आपने जो कहा कि लोकतंत्र का पहिया अब इन अनियमितताओं पर चलना शुरू हो गया है, इसका अंजाम 2024 में देखना है कि सचमुच में अगर निष्पक्ष और साफ सुथरे तरीके से चुनाव होता है तो जनता क्या फैसला करेगी। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, जनता जनार्दन ईश्वर है, भगवान है, हम सब मानते हैं लोकतंत्र का की खुदा, लोकतंत्र का भगवान तो मतदाता ही है, लेकिन कुल मिलाकर उस मतदाता को यह समझना है कि ये लोग जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं, पूरी निर्वाचक प्रणाली को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, बुलडोज करना चाहते हैं, उनकी नियत को, उनके इरादों को जनता को समझना है, उसी जनता को जिसे नरेंद्र मोदी जी ईश्वर कह रहे हैं, मुझे भी उस पर भरोसा है। जी राजीव जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें देखिए, झारखंड से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, संसद होते हुए अगर आइए
तो संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, पूरा का पूरा उस भाषण को उठाकर किसी चुनावी रैली में आप टेप चला दीजिए, लगेगा कि चुनाव का में भाषण दे रहे हैं, वही भाषण यहां। एक वो जो गरिमा होनी चाहिए संसद के अंदर की, वो गरिमा तो खत्म हो चुकी है, अब उस पर क्या चर्चा की जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या झारखंड के बाद एक झटका 12 तारीख को बिहार में भी लगने जा रहा है। कांग्रेस ने अपने तमाम विधायकों को पहुंचा दिया है हैदराबाद, और आप एक बात केयर कीजिए, कांग्रेस के विधायक चाहे बिहार के हों, चाहे झारखंड के हों, चाहे महाराष्ट्र के हों, एक भी नहीं टूटे। जबकि कांग्रेस के बारे में यह कहा जाता था, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास आना चाहता हूं, कि कांग्रेस के बारे में यह कहा जाता था कि कांग्रेस के सबसे पहले कांग्रेस के विधायक टूटेंगे, लेकिन न महाराष्ट्र के विधायक टूटे, न झारखंड के टूटे, पूरे के पूरे रहे, और न ही अब बिहार के टूटने वाले हैं, सब चले गए हैं हैदराबाद, और वहां से 12 तारीख को बिहार में ये फ्लोर टेस्ट है नीतीश सरकार। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा का। अब क्या इस फ्लोर टेस्ट में नीतीश बाबू, उससे पहले क्या खेल हो जाएगा, क्योंकि बातें तो ऐसी ही आ रही हैं। एक बात यह भी आ रही है कि वहां जो नाराज बैठे हुए हैं रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान, वो भी कुछ खेल करने की फिराक में हैं। एक बात यह भी आ रही है कि जेडीयू के कुछ विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं, क्योंकि वो निराश हैं, वो नहीं चाहते थे उधर जाना। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जो नेता हैं जीतन राम मांझी, उनको भी लग रहा है कि कहीं हम सीएम बन जाएं तो इससे बेहतर क्या होगा, दूसरी बार बिहार के सीएम हो जाएंगे। एक बार तो नीतीश बाबू बना ही चुके थे और उनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं मुकेश सहनी साहब। तो ये तमाम जो अलग अलग चीजें चल रही हैं अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में, उन टुकड़ों को जोड़ा जाए तो क्या देखते हैं, क्या बिहार में अभी खेल बाकी है, या बिहार में खेल हो चुका, जैसे कह रहे हैं तेजस्वी यादव, कह रहे हैं कि खेल की शुरुआत हो चुकी है, बस समय का इंतजार कीजिए और इसी महीने आप देखेंगे। तो 12 तारीख तो यही है, और 12 को ही सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला आना है। जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में 12 तारीख को या आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है, चलिए जरा मैं पढ़ के सुना देता हूं, थोड़ी देर में कहूंगा कि मेरे साथी उसको स्क्रीन पे भी ले आए, बहुत इंपॉर्टेंट मसला है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और इस मामले को आप तक पहुंचाना इसलिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो कितना इंपॉर्टेंट है। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कई बार तो भरोसा ही नहीं होता है, अब न्यायपालिका से भरोसा उठता जा रहा है, जिसका थोड़ा बहुत जिक्र कर रहे थे हमारे साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी। तो सीजेआई जो कह रहे हैं, काश यही बात रिफ्लेक्ट करे उनके 12 तारीख के फैसले में तो कुछ और बात हो, लेकिन जो कह आज उन्होंने कहा है वो हूबहू जो कहा है वही आपके सामने उसका हिंदी रूपांतरण रख देता हूं। कह रहे हैं कि क्या वो इस तरह से चुनाव आयोजित करते हैं, सवाल कर रहे हैं, ये लोकतंत्र का मजाक है, ये लोकतंत्र की हत्या है, इस आदमी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ये कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कह रहा है कि इस आदमी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अब तक तो जैसे कह रहे थे डॉक्टर साहब, ये अब तक तो उनको उन पर FIR हो जाना चाहिए था, इस आदमी पे मुकदमा चलाया जाना चाहिए। आपने कांग्रेस और आप गठबंधन के 8 उम्मीदवारों के वोट अवैध घोषित होने के बाद उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया, वो कैमरे की ओर क्यों देख रहे हैं, ये देखिए, ये कैमरे की तरफ देख देख करके कैमरे की तरफ क्यों देख रहे हैं और भगोड़े की तरह क्यों भाग रहे हैं। पीठासीन अधिकारी को मतपत्र में बदलाव करते देखा गया इस कैमरे में, उन्हें बताएं कि सुप्रीम कोर्ट उन पर नजर रख रहा है। यह सीजेआई का कहना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है, इससे ज्यादा खुलकर और कोई क्या बोल सकता है। लेकिन इन्हीं महाशय से, इन्हीं सीजेआई से करबद्ध यह भी प्रार्थना है बड़े अदब के साथ कि भाई साहब सर मिलॉर्ड जो भी कह लें, आप इसको अपने जो फाइनल जो आप फैसला देंगे उसमें भी तो रिफ्लेक्ट कीजिए। कई बार ऐसा हुआ है, आप बोलते कुछ और हैं, फैसला कुछ और आता है, ये तकलीफ होती है। ये मेरी तकलीफ नहीं है, जनता की तकलीफ है, इसीलिए कह रहा हूं कि कम से कम जो बात आपने कही है, आप कह रहे हैं कि इन पर मुकदमा होना चाहिए इस महाशय पे, तो मुकदमा के लिए आपने फैसला, आपने आदेश पारित कर दिया होता तो ज्यादा अच्छा होता, इसके बाद देखा जाता। खैर, लेकिन आते हैं हम अपने साथी के पास, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी के पास। दीपक जी, जरा सुप्रीम कोर्ट से लेकर
बिहार की तरफ चलते हैं तो बिहार में भी तो खेल ऐसे ही रचा गया। ऐसे ही खेल आपने देखा झारखंड में, जहां सच की जीत हुई है। आज सीधे शब्दों में कहा जाए तो आज सच की जीत हुई है। झारखंड का रिफ्लेक्शन क्या बिहार पे आप देखते हैं? और सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है उस पर एक छोटी सी टिप्पणी आपकी। राजू जी, बहुत एक लंबे समय से ऐसा लगने लगा है, वैसे तो हम अब तक मानते थे कि जो सीजीआई की जो कुर्सी है वो देश में सबसे ऊंची सीट है, सबसे ऊंची कुर्सी है, न्याय की कुर्सी है। लेकिन ऐसा लगता है कि पिछले कुछ समय से जो राज्यसभा की जिस एक सीट होती है या राज्यपाल की कोई सीट होती है वो कहीं ओवरशेडो हो रही है और उसने अपनी छाया में जो है सीजीआई की जो सीट है उसको तक छुपा दिया है। मतलब अगर हम बात करें रंजन गोगोई वाले मामले से, हमें शक करने का पूरा पूरा हक है क्योंकि हम तो सुप्रीम कोर्ट को एक स्वतंत्र एंटिटी के रूप में लेते हैं। हमें इससे मतलब नहीं है कि इस वक्त सीजीआई कौन है, पहले कौन सीजीआई था, लेकिन पिछले कुछ समय से आप देखिए कि किस प्रकार से जस्टिस लोगों का जो व्यवहार किस प्रकार से रहा है। रिटायर होते हैं, राज्यसभा में चले जाते हैं, कोई राज्यपाल बन जाता है, कोई बड़ी बड़ा पद ले लेता है, तो शक होना बहुत आसान है। और आप जो कह रहे हैं ये दुख पूरे देश का है कि ऐसा लगता है कि क्या हमारे जो जस्टिस महोदय है, मिलॉर्ड्स जो है, वो क्या देश में बाकी सब चीजें होते नहीं देख रहे हैं? अगर वहां पर जो बैठा आदमी जो ठप्पे मार के 8-8 वोट को रिजेक्ट कर रहा है वो केवल किसी जो चुनावी प्रक्रिया का केवल उल्लंघन नहीं कर रहा राजू जी, वो फोर्जरी है। वो सीधे सीधे अगर कहा जाए तो एक तरह से जिसे हम कहते हैं कि धोखाधड़ी के बनावटी पेपर तैयार कर रहा है, जिसे हम फोर्जरी कहते हैं, धोखाधड़ी, वो तो गलत पेपर्स तैयार कर रहा है। आप इसी को देखिए कि हमारे कितने सारे मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, कितने सारे जो लोग हैं, एक थोड़ी सी शिकायत होती है, शक होता है, केंद्रीय जांच एजेंसियां उन्हें सीधे सीधे जेल में भेज देती है। आप लगा लीजिए हिसाब कि कितने लोग जेलों के पीछे हैं, लंबे लंबे समय तक उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो ये व्यक्ति जो है अभी तक जब देख लिया है कि ये गलत काम कर रहे हैं, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणी है और निश्चित रूप से वो रिटर्न में भी होगी, ऐसा नहीं है कि केवल मौखिक होगी। अगर सीजीआई मानता है बिल्कुल रिटर्न में है, लिखित है, ये दस्तावेज में है ऑलरेडी जो उन्होंने आज कहा है, ये कोई वो नहीं है कि कह दिए बस, ये ऑलरेडी लिखित है जी। तो अगर ये लिखित है, फैसला नहीं है, हाँ फैसले की आगे क्या आता है देखा जाएगा, फैसला नहीं है, लेकिन इसके बाद कार्यपालिका को भी तो अपनी ओर से कुछ काम करना चाहिए और पता करना चाहिए कि आखिर आप किन चीजों पे दस्तखत कर रहे हैं। तो सीधे सीधे मेरा यह कहना है कि कुछ मामलों में आप इतनी तत्परता दिखाते हैं कि उसे अपनी बात करने का मौका तक नहीं मिलता और वो जेलों के पीछे चले जाते हैं। लेकिन ये व्यक्ति है, पिछले जब से इन्होंने अपनी वहां पे मेयर भी चुन लिया, बना लिया, और ये व्यक्ति स्वतंत्र घूम रहा है, तो निश्चित रूप से कभी कभी बड़ा दुख होता है। आप जो कह रहे हैं बहुत सही है कि अगर आपका जो ऑब्जर्वेशन है, आपका जो आप जो देख रहे हैं जिस चीज को, वो आपके निर्णयों में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसके कारण हो ये रहा है कि न्यायपालिका की अपनी विश्वसनीयता जो है वो भी बड़ी संदिग्ध हो गई। हमको बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है क्योंकि न्यायपालिका अंततः देश की सारी आशाओं की अंतिम किरण अगर होती है तो न्यायपालिका होती है। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि देश में चाहे जो कुछ हो जाए, चाहे क्या कार्यपालिका भ्रष्ट हो जाए, चाहे विधायिका भ्रष्ट हो जाए, तो सारी ताकतें भ्रष्ट हो जाए, लेकिन एक संस्था तो ऐसी खड़ी है हमारे पास जिसके बारे में हम कहते हैं कि वो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, सब कुछ कर सकती है, वो आखिर क्यों नहीं वक्त पर एक्शन लेती। उसके बाद मेरा ऐसा ख्याल है कि इस टिप्पणी के बाद अब देखना ये होगा कि इस व्यक्ति के साथ क्या किया जा रहा है जिसने 8-8 जो है वो आप और कांग्रेस के ही विपक्षी दलों के ही पत्रों को सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया है। इसको लेकर दूसरी बात और होती है जो और बहुत दुखदायी है कि ये जो लंबी लंबी जो तारीखें मिलती हैं उतने दिनों में तो बहुत सारे लोग काफी कुछ काम कर लेते हैं, आखिरकार आप क्यों नहीं उसको तुरंत पूछताछ के लिए उसको पेश किया जाता, क्यों नहीं गिरफ्तारी होती? अब ये खैर न्यायपालिका की सीजीआई की अपनी बात है, उसके और क्या नीति गीति होगी वो देखकर, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगर इतनी सख्त टिप्पणी है तो कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होगी। दूसरी बात मैं कि झारखंड वाला मामला है जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, प्लीज अपनी बात पूरी की। जी, तो झारखंड का मामला है, निश्चित रूप से झारखंड में बहुत बड़ी पटकनी मिली है भारतीय जनता पार्टी को, जिसको हम कहते हैं मल्टीपल फेल्योर्स है, उसमें तमाम तरह के उनकी उनकी जांच एजेंसियों के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है। उसके बाद जो है जिस प्रकार से वहां पर हेमंत सोरेन ने भाषण दिया, उन्होंने बताया कि मैंने अपने आंसू जो है वक्त पर रोक के लिए रोक रखे हैं, लेकिन उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि आप जिस 8.5 एकड़ के घोटाले की बात कर रहे हैं उसके आप मुझे कागजात दिखा दीजिए। उन्होंने कहा मैं न केवल राजनीति छोड़ दूंगा बल्कि मैं झारखंड को ही छोड़ के बाहर चला जाऊंगा। ये हेमंत सोरेन की बात है, बड़ा उन्होंने दावे के साथ कहा है।
तो अब फर्ज बनता है ईडी का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है या कोर्ट में जहां पर उनका मामला है वो पूछे कि भाई कहां है वो कागज। वो तो ये भी रहा है कि जैसे शराब घोटाले के बारे में भी कहा जाता है कि शराब घोटाला क्या है, इसको आज तक कोई भी ठीक से बूझ नहीं पाया है, कोई भी जांच एजेंसी ठीक से बता ही नहीं पा रही है कि आपने तीन तीन मंत्रियों को अंदर किया है, उसके बाद एक सांसद आपका अंदर है, उसके बाद मुख्यमंत्री पे आप तलवार लटकाए हुए हैं, शिक्षा मंत्री के ऊपर तलवार लटकाए हुए हैं। तो आप घोटाले को एक्सप्लेन तो कीजिए, और आप कितना लंबा लंबा समय लेंगे, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र की बड़ी हार है। लेकिन यहां पर जो है ये बताया गया है कि तमाम एजेंसियों के ऊपर भी अगर कोई है तो विधायिका है, और यहाँ पे एक भी विधायक का न टूटना ये बहुत बड़ी बात है। अब कांग्रेस में देखिए दो तरह के लोग हैं, एक तो मिलिंद देवड़ा, हेमंता बिस्व शर्मा, जितिन प्रसाद, ऐसे लोग हैं जो छोड़ के चले जाते हैं। दूसरे बेचारे विधायक है छोटे छोटे, इनके ऊपर बहुत दबाव होता है, ऐसा नहीं है इनको धमकियां मिलती है, दबाव आते हैं, लेकिन ये अटूट है, ये जुड़े हुए हैं। यही मुझे लगता है कि कांग्रेस की आशा के केंद्र होने चाहिए, जिसके बारे में राहुल कहते हैं कि जो डर रहा है वो चला जाए हमारे पास से, हमें ऐसे कांग्रेसियों की जरूरत नहीं है, जो नहीं डरता वो कांग्रेसी रहे। ये जो कांग्रेसी और तमाम तरह के जेएमके की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने अपनी सरकार को जिस हिसाब से बचाया, जितनी रणनीतिक कुशलता के साथ बचाया, निश्चित रूप से वो भी सीखना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन लोटस यहां चाहे फेल हो गया हो, लेकिन ऑपरेशन लोटस तो हर राज्य में चलाने की कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, ये सबके लिए एक सबक है, लेकिन सबसे बड़ा सबक भारतीय जनता पार्टी को सीखना चाहिए, और कम से कम वो जाने कि लोकतंत्र किस तरीके से चलता है, और इस तरीके की जो दखलंदाजी है, जिस प्रकार से जांच एजेंसियों के जरिए आप सरकारों को गिराने की, अस्थिर करने की कोशिश करते हैं, तो पूरे देश के लिए घातक है, और देश की ओर से भी इनका विरोध होना चाहिए। राजीव जी, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये जो गठबंधन है कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और सीपीआईएमएल, सीपीआई और सीपीएम का, जो ये वाम दलों का जो गठबंधन है, ये गठबंधन कितना मजबूत है, कितना इंटैक्ट है, ये साफ दिखाई दे रहा है, चाहे बिहार हो या झारखंड हो। झारखंड से जरा बिहार की तरफ आते हुए, और प्रशांत टंडन जी आपके पास जल्दी से आना चाहता हूँ, फिर सुनील शुक्ला जी के पास आता हूँ। प्रशांत जी, कैसे आप देखते हैं बिहार में जो कुछ भी अब कहा जा रहा है, माना जा रहा है, बिहार के घटनाक्रम में बहुत तेजी से बदलाव देखा जा रहा है, अंदर खाने बहुत सारी बातें हो रही हैं, झारखंड वाले में मात खाती हुई बीजेपी साफ दिखाई दे रही है, बाजी बीजेपी पलट नहीं पाई झारखंड में, लेकिन बिहार में बीजेपी इतना ज्यादा भय में है कि 6 तारीख से जो विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना था उसको 10 तारीख लेके गए, 10 तारीख को आप अब सबसे पहले ये कहा जा रहा है अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे उनके खिलाफ, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको बदलेंगे, फिर लेकर आएंगे आप 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट के लिए, यानी कहीं ना कहीं यहां पेच जो है वो फंसा हुआ कहीं है, और जिसको निकालने की कोशिश में बीजेपी जो है वो परेशान दिखाई दे रही, क्या इस हिसाब से देखा जाए या कुछ अंदर खाने और चल रहा है? राजीव जी, आज बहुत सारी खबरें हैं, तो थोड़ा टिप्पणी भी जो है लंबी होगी, लेकिन सबसे पहले शुरुआत बिहार इम्पोर्टेंट है, लेकिन झारखंड में तो आज जो हुआ है वो ऐतिहासिक है, और बीजेपी के दो बड़े पार्टनर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और मीडिया वहां पे चारों खाने चित हुए, और जो वहां से निकल कर आया है, देखिए हेमंत सोरेन अब केवल भूतपूर्व मुख्यमंत्री नहीं है, हेमंत सोरेन अब इस देश में आदिवासियों के सबसे बड़े नेता हैं, और ये बीजेपी ने और उनके जो पार्टनर है ईडी ने ये कमाल करके दिखाया है कि अब हेमंत सोरेन की जो पहुंच है वो केवल झारखंड तक नहीं है, वो पूरे देश के आदिवासियों के नेता है, और 45 सीटें हैं राजीव जी शेड्यूल ट्राइब रिजर्व, जिसमें 31 बीजेपी के पास है और शायद एनडीए मिला के 33 है जी। इन सब सीटों पर अब बीजेपी को कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा, हेमंत सोरेन को जितना ज्यादा ये रखेंगे डिटेंशन में, जेल में, उतना इनका नुकसान होता जाएगा, जिस तरीके का अभूतपूर्व समर्थन विधानसभा में और विधानसभा के बाहर हेमंत सोरेन के लिए दिखाई दिया। दूसरी बात की बिहार में, देखिए मैं लालू प्रसाद जी को बहुत लंबे समय से देखता हूं, और उनकी खामोशी जो है, पहले ही मैंने जिक्र किया है कि वो बहुत कुछ कह रही है, क्योंकि लालू प्रसाद एक ऐसे नेता है जो किसी भी परिस्थिति में, बीमार हो, अस्वस्थ हो, या
राजनीतिक रूप से उनको नुकसान हो गया हो, चुनाव हार गए हो, जीत गए हो, जेल चले जाएं, वो खामोश नहीं रहते। तो अगर वो खामोश है तो आप समझिए कुछ ना कुछ बिहार में चल रहा है जो हमको दिखाई देगा। और ये दो स्टेप में होगा, पहला बीजेपी को हर्डल क्रॉस करना है स्पीकर के चुनाव में, जो अविश्वास का प्रस्ताव ये लेकर आ रहे हैं जी। हो सकता है कि आरजेडी अपनी रणनीति में उनको फाइनली कुछ करना है, जो भी करना है वो स्पीकर के चुनाव में पत्ते ना भी खोले और स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास का प्रस्ताव आएगा हो सकता है कि उसको कामयाब हो जाने दें और उसके बाद भी इसको बचता है। तो ये उनकी विपक्ष की तेजस्वी यादव की लालू प्रसाद यादव की रणनीति क्या है इस पे अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो मंझे हुए खिलाड़ी हैं और वो कुछ ना कुछ वहाँ पे बिहार में होना है। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में दो तीन बातें राजीव जी कहेंगे। एक तो जो अरुण मसीह का, अनिल मसीह का जो मामला है वो तो है ही है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आज शाम के 5 बजे तक, यानी अब तक जो हम लोग बात कर रहे हैं, हो चुका होगा सारे दस्तावेज, वो जो बैलेट पेपर जिस पे वो टिक मार्क लगा रहे हैं, जो दिख रहा है वीडियो में, ये सारे दस्तावेज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्री में जमा करने हैं, जो जमा हो गए होंगे और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट एक आदेश ऑलरेडी दे चुका है जिसकी चर्चा आप कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट 12 तारीख को जब हियरिंग करेगा और इनकी, अनिल मसीह की पर्सनल अटेंडेंस लगाई है कि व्यक्तिगत रूप से ये कोर्ट में मौजूद रहेंगे अगले सोमवार को जब तारीख आएगी, तो बहुत सख्त रवैया अपनाया। लेकिन हाँ, जो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अब तक जो कहता आया है कि जस्टिस, वो इम्प्लीमेंट होता कम दिखता है। सेमिनार में हमको बहुत मजबूत बातें दिखाई देती हैं, ऑब्जर्वेशन में बहुत मजबूत बातें दिखाई देती हैं, लेकिन आदेश वैसे नहीं आते हैं। और एक और बहुत बड़ा मामला राजीव जी है कि जिससे सुप्रीम कोर्ट की साख कम हो रही है, जस्टिस बेला त्रिवेदी, सारे ईडी के मामले उन्हीं के पास जाते हैं, हेमंत सोरेन का मामला भी उन्हीं के पास गया था जिसमें रिलीफ नहीं मिला, उमर खालिद की जमानत की अर्जी 14 बार सुप्रीम कोर्ट एडजर्न कर चुका है, जस्टिस बेला त्रिवेदी उस बेंच में भी हैं, और आज अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के, उनकी पटीशन ईडी के बारे में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास थी, वो भी बेला त्रिवेदी की बेंच में गई है। तो सारे महत्वपूर्ण मामले जस्टिस बेला त्रिवेदी प्रशांत जी में जा रहे हैं। ये भी बता दीजिए कि कौन है, क्या कनेक्शन है उनका गुजरात से मोदी जी से? अब जस्टिस बेला त्रिवेदी, नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब वो लॉ सेक्रेटरी थी। मैं ये उनकी उस पिछले उनका पास क्या था और आज वो फैसले कैसे कर रहे हैं इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता जी, लेकिन उन्हीं के पास क्यों जा रहे हैं ये एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि एक खास तरीके का पैटर्न दिख रहा है। और आपको याद होगा राजीव जी, ऐतिहासिक हुआ है भारत के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में 2018 में, जब 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जस्टिस चलमेश्वर, जस्टिस कुरियन, रंजन गोगोई और मदन लोकुर, 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि सारे महत्वपूर्ण मामले जस्टिस अरुण मिश्रा के पास जा रहे थे, इंक्लूडिंग जज लोया का मामला, जो संदिग्ध मौत का मामला। तो इन ये चार जज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उनका मुद्दा यही था कि रजिस्ट्री में ये क्या हो रहा है, और वो सवाल आज भी है कि रजिस्ट्री में ये क्या हो रहा है कि सारे महत्वपूर्ण मामले जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच में जाते हैं और फिर एक खास तरीके का ट्रेंड उनके फैसलों में और आदेश में दिखाई देता है। ये बहुत गंभीर मसला है
सुप्रीम कोर्ट की इसमें साख जो है वो कम हो रही है, विश्वास कम होता है। अजीब जी, जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट और उसकी साख या उस पर विश्वास जो है वो बरकरार रहे, ये सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई का ये दायित्व है। एक साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और इसी साल सितंबर, शायद 30 सितंबर को रिटायर होंगे सीजेआई, लेकिन उससे पहले उनके ऊपर बहुत सारे दारोमदार हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको करना है और अभी बहुत सारे फैसले उनके अधीन हैं जो आना है, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला भी है। और ये सब छोटे मोटे जो मामले आ रहे हैं, लेकिन ये गंभीर हैं, छोटे मोटे कह सकते हैं लेकिन गंभीर इसलिए हैं कि ये रिफ्लेक्ट करते हैं चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको, क्योंकि चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ उसका रिफ्लेक्शन अगले चुनाव पे होगा, इस बारे में अब बातें होने लगी हैं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर या ईवीएम के ऊपर जो बातें हो रही हैं, इसका भी मामला कोर्ट में है और इस पर भी ध्यान देना होगा सीजेआई को। तो बहुत कुछ है, उसको जरा थोड़ी देर के लिए किनारे करते हैं और फिर से आते हैं जो सियासत है, क्योंकि इस सब कुछ साथ साथ चल रही हैं बातें जो हम कर रहे हैं, जिसमें झारखंड, बिहार, झारखंड और बिहार होते हुए जरा आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, बिहार में आप क्या कुछ होते हुए देख रहे हैं, क्या कुछ अभी तक, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार पलटते हैं, उस खेमे में चले जाते हैं इस खेमे से, और उसके बाद तुरंत 20 मिनट के अंदर उनके ऊपर, उनके पास ये पैगाम आ जाता है कि आज शाम 5 बजे 5:30 बजे आप ओथ ले लीजिए। और लेकिन अभी भी दबाव में है नीतीश कुमार, कैसे माना जाए, क्या देखा जाए, और इसको झारखंड से अगर जोड़ लीजिए तो और बेहतर है। धन्यवाद राजीव जी। दबाव का अंदाजा बिहार में तो आप इससे लगा सकते हैं कि जो मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ, सभी महत्वपूर्ण विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास है, कुछ गिनती के महत्वपूर्ण विभाग है जो जेडीयू के पास रह गए हैं। बहुत दबाव बना करके मुख्यमंत्री जी अपने पास गृह मंत्रालय रख पाए, जबकि बीजेपी उसको भी अपने पास रखना चाहती थी, तो स्थिति वहां पर यह है। दूसरी चीज यह है कि चिराग पासवान का जो बयान लगातार आ रहा है वो सबके सामने है कि वो उनके बारे में कहा ही गया कि हनुमान है, लेकिन वैसे हनुमान है जिन्होंने हसरापुर में ही आग लगा दी थी, मैंने अयोध्या में ही आग लगाने का काम किया, उन्होंने लंका नहीं जलाई, उन्होंने एनडीए गठबंधन का ही नुकसान किया, और हुआ जो उनका हनुमानगत्व तो है वो हनुमान वाला तत्व तो भी खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी नाराज है जेडीयू के साथ और कहते हैं कि हम उचित समय पर तय करेंगे, जो कुछ भी होगा अपनी पार्टी के पक्ष में, अपनी पार्टी के हित को ध्यान में रखकर के तय करेंगे। तो ये नेतृत्व तो नीतीश कुमार जी को इस चुनाव के 2022 के चुनाव में ही समझ लेना चाहिए था कि क्या उनके साथ होने जा रहा है। खैर, माझी जी का जहां तक मेरा सवाल है, मैं समझता हूं कि वो केवल दबाव बना रहे हैं, वो दबाव बना रहे हैं कि उनके किसी अपने एक व्यक्ति को और मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए। माझी जी मुझे नहीं लगता कि एनडीए छोड़ के जाएंगे वो, लेकिन जरूर है कि वहां स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, उसमें सबसे दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके जो सबसे बड़ी क्षति हुई है वो हुई खुद नीतीश कुमार जी की। उनकी जो अपनी विश्वसनीयता थी, अपना अपनी उनकी जो प्रतिष्ठा थी, एक राजनीतिक साख थी, उसमें जबरदस्त धक्का लगा। आज नीतीश कुमार जी उस विश्वसनीयता के साथ, उस आक्रामकता के साथ बात नहीं कर पाते। अब कहीं पब्लिक फोरम पर देखिए उनको बोलते हुए, उनमें एक अलग तरह का अविश्वास नजर आएगा आपको, उनकी बॉडी लैंग्वेज बताती है। तो यह जो नुकसान हुआ है वह इसकी भरपाई वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसमें संदेह है। इसलिए भी मैं मानता हूं कि 2000 इस साल होने वाले लोकसभा के चुनाव के बाद यह तय होगा कि वह वहां एनडीए में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या एनडीए वाले उनको, एनडीए उनकी उपाध्येता बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी। बिहार में स्थितियां सामान्य नहीं है, यह जरूर है कि इंडिया दल समूह को जरूर ताकत मिली है, इंडिया दल समूह इंटैक्ट है, उसमें से अभी तक किसी के भी टूटने, अलग होने या इंडिया दल समूह को छोड़कर जाने, इस तरह की कोई घटनाएं सामने नहीं आई। यह अलग बात है कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने के लिए लेके चली गई है उन सभी लोगों को तेलंगाना, लेकिन कम से कम और यहां एकता दिखाई पड़ी जब राहुल गांधी की वो न्याय यात्रा भी चली। न्याय यात्रा के दौरान जिस तरीके का व्यापक जन समर्थन उनको दिखाई पड़ा, मुझे लगता है कि इंडिया दल समूह को आपस में बांधे रखने के लिए जो गैर भाजपाई दल है उसके लिए बहुत बड़ा संदेश था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां सफल होती हुई नजर नहीं आ रही है।
जो सेंध लगाने का प्रयास कर रही थी बिहार में भी, वो नहीं सफल हो पाया अभी तक जी। लेकिन सबसे बड़ा करारा जवाब मिला है झारखंड में। झारखंड में एक मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने के बाद और नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण करने के बीच की अवधि में कौन सा शासन था, वहां किसका शासन चल रहा था? न तो वहां राष्ट्रपति शासन था, न वहां चुनी हुई सरकार थी, न कार्यवाहक मुख्यमंत्री था, तो किसकी सरकार थी? ऐसा तो होता नहीं है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे मंत्रिमंडल बना रहे, वो तो मुख्यमंत्री के इस्तीफा के साथ ही मंत्रिमंडल खत्म हो जाता है, क्योंकि सामूहिक जिम्मेदारी की बात होती है। तो स्थिति तो होती नहीं है संसदीय व्यवस्था में, तो किसका शासन था? और इतनी बड़ी संवैधानिक लापरवाही राज्य में बरती गई तो कोई कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। और आज जो हेमंत सोरेन ने भाषण दिया विधानसभा में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से उन्होंने राजभवन पे हमला किया कि उनकी गिरफ्तारी में राजभवन की साजिश थी, यह सामान्य बात नहीं होती है। ये सुनने में अच्छा लगता होगा कि केवल आपने एक आरोप लगा दिया, लेकिन राजभवन जैसे निर्वाध स्थलों को भी अगर इस तरह के आरोप लगने शुरू हो गए हैं तो ये महत्वपूर्ण बात है। और आज हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया और आदिवासी आत्मसम्मान की बात की, यह बीजेपी के लिए चुनौती का विषय है। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बनने नहीं रहना चाहती। भारतीय जनता पार्टी अपने दल के किसी आदिवासी को भी कार्यकाल पूरा रहने उन्हें नहीं दिया, और ये तथ्य है। न तो बाबूलाल मरांडी को कार्यकाल पूरा करने दिया गया, न अर्जुन मुंडा को कार्यकाल पूरा करने दिया गया। जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, 5 साल जिसने काम भी किया, उसमें भी गैर आदिवासी रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे वहां। और इन्होंने ये बात की, इस सबके लिए समझने की बात है कि जिस आरोप में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है, यह आरोप 2009 में उनके खिलाफ लगा था। 2009 के बाद से 2014 से लगातार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उस दौरान झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की पूर्णकालिक सरकार काम कर चुकी है, वो जांच क्यों नहीं किया गया? 2024 तक का इंतजार क्यों किया जाता रहा एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए? जो सवाल रखे हैं हेमंत सोरेन ने, ये ऐसा नहीं है कि उनको आप किनारे कर सकते हैं, उस पर लोगों का रिएक्शन नहीं होगा या आदिवासी समुदाय में उसका रिएक्शन नहीं होगा। बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। और अगर कोई 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 किसी के भ्रष्टाचार के समर्थन में नहीं खड़ा हो सकता, अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर उत्पीड़न नहीं होना चाहिए ना। अगर आप हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो रघुवर दास के खिलाफ सरजू राय के तमाम आरोप है, उन आरोपों का क्या होगा? क्यों नहीं उसकी जांच की जा रही है? बल्कि आप एक तरफ एक मुख्यमंत्री जो सिटी मुख्यमंत्री है उसके खिलाफ अपना केवल जांच कीजिए ना, जांच में गिरफ्तारी का उसका क्या सवाल हो गया? क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं आप? बुला के जितना पूछना हो पूछिए, जितने जवाब सवाल करना हो वो कीजिए। कोई इतना बड़ा ऐसा तो है नहीं क्योंकि जो है जो भागे जा रहे हैं, जो अभिलेख है अभिलेख है, अभिलेख तो बदले नहीं जा सकते। पहले आप तथ्यों की तो जांच कर रहे हैं, तथ्यों की जांच कर लीजिए। अगर एक जमीन किसी ने खरीदी है तो उसकी रजिस्ट्री तो बदल नहीं जाएगी, उसकी खसरा खतरे तो चेंज नहीं हो जाएगा, उसका दाखिल खारिज तो खत्म नहीं हो जाएगा। लेकिन एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेना, यह तो सरासर सरकार को अपदस्त करने के लिए या जो जनता का मैंडेट है उसको प्रभावित करने की एक कोशिश है। तो आप एक मुख्यमंत्री के साथ एक कार्रवाई कर रहे हैं, एक दूसरे मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्हीं के सरकार के मंत्री में रहे सरजू राय के जो बयान है, जो आरोप है, उससे आप जांच करने के लिए तैयार नहीं है। उनको आपने राज्यपाल बना करके एक संवैधानिक संरक्षण होता है वो आपने प्रदान कर दिया, तो वहां उस राज्य की जनता ये कैसे स्वीकार करेगी कि आप भ्रष्टाचार की जांच कर रहे हैं? एक व्यक्ति के ऊपर लगने वाला आरोप भ्रष्टाचार का आरोप है, उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और दूसरे व्यक्ति पर ऊपर लगने वाला आरोप उसका संज्ञान में नहीं लिया जाना चाहिए, तो कैसे लोग स्वीकार करेंगे इसको? तो मेरा अपना मानना है, मेरी अपनी समझ है कि झारखंड में इस घटना का असर झारखंड मुक्ति मोर्चा निश्चित रूप से अपने समर्थकों तक ले जाएगी और इसका असर दिखाई ही पड़ेगा। आज सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणी है, इस बिल्कुल सही है, सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी सामान्य नहीं है, और उस टिप्पणी के बाद भी आपने कौन सी कार्रवाई की? इसी तरह की टिप्पणी किया था सीता तीसरा बार के बारे में सुप्रीम कोर्ट में, तुरंत FIR दर्ज हो गई, उनकी गिरफ्तारी हो गई जी। यही तो टिप्पणी थी, बिल्कुल बिल्कुल थी। सुप्रीम कोर्ट जी मुंबई से गिरफ्तार करके उनको ले जाया गया था, ले जाया गया। और आप उनके बारे में क्या हो रहा है, यह जो कहा गया है, अभी आप देखिएगा कि कितने कितने बातें आएंगी कि वो जो मतपत्र हैं फाड़ डाले गए,
ये उसी समय आरोप लगने लीनो नहीं बयान दिया है, निर्वाचन अधिकारी ने, उनका बयान था जी। कि छीना झपटी में वो हो सकता है कि वो नष्ट हो गए हो। ये भी लोग तो देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर एक आपकी यह कार्रवाई होती है और गिरफ्तारी के बाद एक व्यक्ति को भाग करके आना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट अपने अपने समाधान अपने व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए, और एक तरफ जो टिप्पणी होती है और अभी तक कोई सी कार्रवाई का उनके सूचना नहीं है दूर दूर तक। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामान्य टिप्पणी नहीं है, लेकिन ये है कि 12 तारीख को हमारे जजमेंट का दिन नहीं, अगली सुनवाई की तिथि है। अगली सुनवाई के दौरान क्या होगा और उस पे उन्होंने चुनाव पे रोक लगाई नहीं लगाई मैं नहीं पढ़ पाया कहीं, कि जो चुनाव हुआ था वो मेयर को डिक्लेयर किया गया था निर्वाचित, उनको रोका कि नहीं रोका, काम करने से रोका कि नहीं रोका, सवाल इस बात का। अगर आपको प्रथम दृष्टया इतनी चीजें नजर आती हैं तो व्यक्ति कैसे काम कर सकता है। अगर अरुण मिश्रा की नियुक्ति अवैध है, उनका एक्सटेंशन अवैध है, तो फिर पद पे बने क्यों है। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आज टिप्पणियां की, उस टिप्पणी के बाद जो चंडीगढ़ का निर्वाचित मेयर है वो अपने मेयर अपने पद पे क्यों है, उसके सारे अधिकार सीज क्यों नहीं किए गए। अगर न्यायालय ने मान लीजिए नहीं किया तो चंडीगढ़ प्रशासन ने क्यों नहीं किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इतनी बड़ी टिप्पणी है, आप अभी अपने काम से अपने काम के अपने जितने भी अधिकार है वो सीमित किए जाते हैं, हर काम सर्वोच्च न्यायालय थोड़ा जो। 7 फरवरी को जो बैठक होनी थी चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक होनी थी उसको स्थगित करने का आदेश कोर्ट ने कर दिया है, और ये कहा है कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि मेयर चुनाव का पूरा रिकॉर्ड जब्त कर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास रखा जाए और मतपत्र और वीडियोग्राफी को चंडीगढ़ यूटी के उपायुक्त के पास सुरक्षित रखा जाए जिनके पास वर्तमान में रिकॉर्ड है, और उन्हें आज सोमवार शाम बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस चर्चा। 5 बजे तक जैसा प्रशांत जी भी कह रहे थे और उसको हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास सौंप देना चाहिए, और इसके अलावा कि कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि 7 फरवरी को होने वाली चंडीगढ़ नगर निगम की आगामी बैठक स्थगित कर दी जाए। सवाल ठीक है, लेकिन जो निर्वाचित मेयर हैं उनको काम करने से रोक दिया जाना चाहिए, उनके सभी अधिकार सीज कर लिए जाने चाहिए, और अगर न्यायालय ने आदेश नहीं दिया तो स्थानीय प्रशासन को निर्णय लेना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के तहत यह कार्रवाई की जाती है। न्यायालय का कितना सम्मान आप करते हैं, ये तमाम घटनाक्रम में आपके सामने है। अगर आपको आपके हितों के अनुकूल नहीं है वो, तो फिर आप मौन साध देते हैं। न्यायालय का सम्मान तो यही है ना, कि न्यायालय की मंशा क्या है। तो सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी, सरकार झारखंड में बहुमत, सरकार का बहुमत बन जाना, बहुमत साबित कर लेना, बिहार में जो एनडीए दल समूह के बीच में जो आपसी विवाद है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत राहत देने वाली चीजें नहीं है। पूरी कोशिश कर ली गई थी कि एक झारखंड की सरकार न रहने पाए जी, लेकिन नहीं सफल हो पाया, और यह सब जितने तरीके हो सकते थे, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, और आज मैं तो कभी मैं झारखंड के चुनाव में मैं कई बार गया हूं, लेकिन चंपई सोरेन को मैं आज सुना, मुझे लगता है कि चंपई सोरेन का जो भाषण होगा आने वाले दिनों में यह बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ेगा। जो आदिवासी और मूलवासी, मैं एक शब्द उन्होंने, हम लोग तो ही आदिवासी वनवासी के चक्कर में पड़े हुए थे कि राहुल गांधी क्या कहते हैं और बीजेपी क्या कहती है। चंपई सोरेन ने कहा कि आदिवासी मूलवासी, हम झारखंड के मूलवासी हैं और हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, और जो आक्रामक आज भाषण दिया है मुख्यमंत्री ने, मुझे लगता है कि अगर चुनाव के जो साजिश रची जा रही थी कि मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के दौरान हेमंत सोरेन बाहर न रहने पाए, प्रचार न करने पाए अपनी पार्टी का, कोई मुझे नहीं लगता है कि नुकसान नहीं होगा। चंपई सोरेन को आज सुनने के बाद मुझे लगा कि जहां इंडिया दल समूह का एक मजबूत नेता और भी उनके पास है जो झारखंड और झारखंड सहित अन्य आदिवासी इलाकों में अपनी बात कहने में पूरी तरह से सक्षम है और सशक्त है, और तमाम हमले किए। अगर आप उनका भाषण, अगर आप, मैं सुन रहा था, मैंने तमाम हमले किए और जबरदस्त हमले किए। ये तमाम चीजें हो रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक है, इसका कोई जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जो आज भाषण दिया संसद में, अब विपक्ष के ऊपर हमला करके क्या कर, जवाहरलाल नेहरू अभी भी आपके निशाने पर रहेंगे। आप बताइए ना कि पिछले 10 सालों में इस सरकार ने क्या किया,
इस सरकार ने इस देश के लोगों के मुस्तकबिल को बदलने के लिए कौन कौन से काम किए हैं, आप उसकी व्याख्या कीजिए। कोई इस देश के प्रतिभा में किसी को संदेह नहीं रहा है, लेकिन आपने उस प्रतिभाओं का उपयोग कितना किया है आप ये बता दीजिए। आप ये बता दीजिए कि पिछले दस वर्षों के शासनकाल के दौरान इस सरकार ने इस देश की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए क्या किया। अगर आप परिवारवाद पे हमला करते हैं तो जितने परिवारवादी नेता है सब अपने आपके पास है, वो सभी दल आपके पास है, उन दलों से आपको कोई ऐतराज नहीं है। अगर आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो अपने पार्टी में किन किन भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन कौन सी आपने कार्रवाई की, और दूसरे पार्टी का भी भ्रष्टाचारी आपके पार्टी में चलाएगा तो उनके खिलाफ कौन सी आपने कार्रवाई कर दी, सभी आपके पास है। अगर 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 हेमंत विश्व शर्मा, उनके खिलाफ कोई नहीं कार्रवाई करेंगे आप, लेकिन हेमंत सोरेन के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे। दो हेमंत आपके पास है इस देश में, एक के प्रति दूसरे एक रवैया, दूसरे के प्रति दूसरा रवैया, क्या देश के लोग इसको समझते नहीं है क्या? एक आपने में है ना? एक 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 हेमंत एक हेमंत के खिलाफ आपने आरोप लगाया था, भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था भ्रष्टाचार के, वो कहां चले गए, क्यों नहीं जांच हो रही है, क्या वो किसी केंद्रीय जांच एजेंसी के पर भी नहीं आते आरोप? पूरी आजादी के साथ आप उसी हेमंत विश्वकर्मा के साथ आप उसी गुवाहाटी में रोड शो करेंगे और उसी गुवाहाटी में आप विपक्ष नेता को रोड शो करने नहीं देंगे और उसके बाद भी कहेंगे क्या मेरी लोकतंत्र में आस्था है और इस देश के लोग इसको विश्वास कर लेंगे। तो ये आज का घटनाक्रम निश्चित रूप से बीजेपी के लिए बहुत एक कई तरह की टिप्पणियां हैं और इनसे वो कैसे निकलेगी मुझे तो झारखंड में तो उनको जवाब नहीं मिल रहा है। आज आप सोचिए कि आज उन्हें विपक्ष नेता ने क्या कहा कि चंपई सोरेन को कि कांग्रेस के साथ रहने की वजह से हेमंत सोरेन जेल में गए हैं, आप भी कांग्रेस से अपने बारे में सोच लीजिए। धमकी मतलब किस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, कांग्रेस के साथ आप गए हैं, लेकिन कांग्रेस इंटैक्ट है, आप देख लीजिए एक कांग्रेस पार्टी ही दिखाई देती है बहुत ही बिना लाग लपेट और बिना बायस्ड हुए। ये बात यहां अपनी बात कह रही हो, अपनी बात जनता के बीच कहने में सफल है। धर्म है उसका बहुत मजबूती से कांग्रेस पालन कर रही है, हर जगह देख लीजिए आप, चाहे वो झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, ये तीनों राज्य कहीं ना कहीं इन और चूंकि तीनों राज्यों में क्षेत्रीय दल बहुत मजबूती के साथ मजबूत हैं, वो चाहे उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, इधर आरजेडी और जेडीयू के साथ में भी उनका गठबंधन, कांग्रेस 19 विधायक के साथ में लेकिन मजबूती के साथ रही, और वैसे ही हमने महाराष्ट्र में भी देखा। तो एक गठबंधन भले इंडिया अलायंस को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के अंदर अपने भाषण में बहुत सारी बातें करते रहे, अलायंस जो है वो बनने से पहले टूट गया, इनमें एका नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारी बातें कह रहे थे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यहां ये है कि कांग्रेस इन तमाम जो परेशानियां हैं उससे आगे बढ़ते हुए, जैसे राहुल गांधी अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस। और कई जगह कांग्रेस का ऑलरेडी अलायंस, अगर ये इंडिया गठबंधन अगर न भी हो, अमलेंदु उपाध्याय जी एक मिनट के लिए मान लिया जाए कि इंडिया गठबंधन नहीं है अभी, ये मान भी लें, तब भी तो एक गठबंधन है कांग्रेस का अलग अलग राज्यों में, बिहार में गठबंधन है, कांग्रेस का गठबंधन महाराष्ट्र में है, कांग्रेस का गठबंधन दक्षिण में, आप देख लीजिए चाहे वो केरल हो चाहे वो तमिलनाडु हो, वहां भी है, और ऐसे गठबंधन छोटे छोटे गठबंधन तो कई जगह चुनाव के समय कई गठबंधन हो जाते हैं, इसी का तो एक बड़ा रूप है इंडिया गठबंधन। और इसलिए क्या यहां जो कह रहे हैं, जो आखिरी लाइन जो कह रहे थे हमारे साथी सुनील शुक्ला जी, कि जो कहा गया इनको चंपाई सोरेन को कि आप ये देख लो क्योंकि आप कांग्रेस के साथ हो, अगर नहीं रहते तो फिर ये नहीं होता, ये बात यहां मोदी और बीजेपी को भी पता है कि कांग्रेस ही जड़ है इस लोकतंत्र की रक्षा करने या लोकतंत्र की लड़ाई मजबूती से लड़ने के लिए, अगर आप खड़े हैं तो सामने आपके सामने कांग्रेस है, इसलिए तो अब की बार 400 के पार कहें या 370 कहें, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने परेशानियां हैं, और इन परेशानियों में झारखंड और बिहार की तस्वीर आपको कैसी दिखाई देती है अमलेंदु उपाध्याय जी? राजीव जी, एक तो पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री जो 370 की बात कर रहे हैं कि 370, तो 370 तो हटा चुके, वो तो अपना पहला दावा ही उन्होंने अपने आप खुद ही हवा में उड़ा दिया, मतलब 370 जिसे आप हटा चुके आप उसे आप लाने की बात कर रहे हैं, तो फिर से 370 लगाएंगे?
420 आपने आईपीसी में से हटा दी, आप 420 लाने की बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर राजीव जी, प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपदा में अवसर उठाना जो है वो प्रधानमंत्री को ही नहीं आता है, दूसरे लोग भी आपदा में अवसर उठाना जानते हैं राजीव जी। और झारखंड ने ये दिखा दिया है कि आपदा में अवसर कैसे निकाले जाते हैं। आपदा आई इस हेमंत सोरेन के ऊपर और अवसर निकाल लिया गया चंपई सोरेन के लिए, और ये अवसर भारतीय जनता पार्टी के लिए और ज्यादा कड़ा बैठेगा। हेमंत सोरेन तो तब भी जो थे वो थोड़े एक तरीके से कहा जाए कि थोड़े नम्र स्वभाव के लगते थे, लेकिन जिस तरीके से चंपई सोरेन ने जिनको कहा था ये कोल्हान के टाइगर जो हैं, तो उस टाइगर ने अपनी धार दिखा दी है आज, और ये भी कह दिया है कि मैं हेमंत सोरेन पार्ट टू हूं। तो इसका मतलब कि झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है, और यहां से भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जो है, उनके जो मित्र प्रधानमंत्री के जो साथी हैं, जिन्होंने कहा था जिनके लिए ईडी और सीबीआई उनके साथी हैं, तो प्रधानमंत्री के साथियों के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। झारखंड से प्रधानमंत्री के साथियों की हवा निकालने का काम भी झारखंड ने किया है, और झारखंड ने एक संदेश इंडिया गठबंधन के उन लोगों को भी दिया है जो ये कह रहे थे कि बिना कांग्रेस के हम सब कुछ काम कर लेंगे, तो उनके लिए भी एक संदेश दिया है। मुझे लगता है कि झारखंड ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को चुनौती नहीं दी है, बल्कि इंडिया गठबंधन के अंदर भी जो लोग कुछ गड़बड़ करने की या दबने की सोच रहे थे, उनके लिए भी एक रास्ता दिखाया है, एक ज्योतिपुंज उनके झारखंड सामने निकल करके आया है। राजीव जी, कुल मिलाकर के मुझको ऐसा लगता है झारखंड निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन एक साहसी नेता के तौर पर निकले हैं, और उन्होंने बता दिया है कि ईडी और सीबीआई के प्रहार के बावजूद किस तरीके से मोदी और अमित शाह की जो है इन साथियों के खिलाफ तन करके खड़ा हुआ जा सकता है। तो ये हेमंत सोरेन ने जो है वो एक रास्ता दिखा दिया है। कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में भी स्थितियां अच्छी नहीं है। आज झारखंड से जो संदेश गया है, तो अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी को सोच भी रही होगी करने की, तो वहां भी उसकी हवा निकलने वाली है। आप देखिए राजीव जी, जैसा आपने शुरुआत में कहा कि बिहार में जो है वो हटा दिया गया, आगे स्थगित कर दिया गया विश्वास मत का परीक्षण। क्यों स्थगित कर दिया गया? जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए आश्वस्त नहीं है कि उनका जो है वो विश्वास मत हासिल हो पाएगा, और वो पहले स्पीकर को गिरा करके अपना स्पीकर ला करके हेरा फेरी के जरिए वहां जो विश्वास मत हासिल करना चाहते हैं, ये जो एक संदेश जा रहा है। और अगर मान लीजिए कि स्पीकर में ही आपका जो गिरिया वो अविश्वास का प्रस्ताव, तब क्या स्थिति होगी? तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कोई लड्डू वड्डू नहीं है। प्रधानमंत्री आज जिस तरीके से भाषण दे रहे थे, साफ लग रहा था प्रधानमंत्री के अंदर का डर जो है वो उनकी खोखली हंसी में निकल करके आ रहा था। ऐसा होता है राजीव जी, जब आदमी डरा हुआ होता है तो कुछ ज्यादा ही हंसने की कोशिश करता है। आज प्रधानमंत्री ठीक उसी तरीके से संसद के अंदर नजर आ रहे थे। तो ये कुल मिलाकर के जो झटके पे झटके जो भारतीय जनता पार्टी को लग रहे हैं, झारखंड के बाद जो अब बिहार में खेल शुरू होगा, अगर बिहार में भी राजीव जी नीतीश कुमार लुढ़क गए और बहुमत साबित नहीं कर पाए, तो आप समझ लीजिए कि 370 उसी दिन हट जाएगी। यहां भी जो बातें की जा रही है 370 की, ये 370 जो 170 पे आ जाएंगे पहले झटके में ही। प्रधानमंत्री समझते हैं अच्छे तरीके से कि जनता के जरिए 170 सीटें नहीं आ रही हैं, इसलिए जो है ये सारी बात इस तरीके की जा रही है। अब जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है राजीव जी, देखिए अभी कई सारे मसले आए हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जिन दीपक मिश्रा जो सीजीआई थे, जिनके खिलाफ जो था चार जज जो थे वो आए थे और जिन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी जो खतरे में है, वो दीपक मिश्रा साहब ही जो क्या बातें कर रहे हैं, मतलब आप ये देखिए कि किस तरीके की विरोधाभास होते हैं। मैं फिर उनकी केवल दो लाइन पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जो हिदायतुल्ला यूनिवर्सिटी रायपुर में है, अभी वहां थे वो तीन दिन पहले, वहां उन्होंने भाषण दिया, अपना लेक्चर दिया, और उन्होंने क्या कहा है उसको बस कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में सरकार बहुमत से चुनी जाती है, लेकिन किसी भी प्रकार के बहुसंख्यकवादी सामाजिक दर्शन से व्यक्तिगत अधिकारों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। यानी कि एक्स सीजीआई जिनके ऊपर आरोप थे कि डेमोक्रेसी खतरे में है, जरूरी लगाया था, वो भी इस बात को जो कह रहे हैं कि आप बहुसंख्यकवाद के जरिए जो है आप समाज को नहीं चला सकते, सरकारें चुनी जाती है बहुसंख्या के आधार पर जी। यानी कि जुडिशरी के अंदर से पिछले दरवाजे से भी अब इस तरीके की आवाजें सामने आने लगी हैं। अगर चंद्रचूड़ साहब कुछ कह रहे हैं या जुडिशरी कुछ कह रही है, मुझे लगता है कि इस जुडिशरी को थोड़ी हिम्मत दिखानी चाहिए। चुनाव नजदीक है, हम सब जो है साथ में है। जब महमूद पराचा जो एडवोकेट जो ईवीएम के खिलाफ मोर्चा निकाल रहे थे, वो नारा लगा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट तुम न्याय करो, देश तुम्हारे साथ है। तो जब देश साथ में है, लोग इस तरीके सड़कों पर नारे लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि न्याय की बातें निश्चित तौर पर होनी चाहिए। न्याय होना नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए, महत्वपूर्ण बात यह है राजीव जी, जो न्याय का एक सिद्धांत भी।
जी बिल्कुल, न्याय का सिद्धांत है, न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जिक्र बार बार हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला अभिषेक मनु सिंघवी आज देख रहे थे चंडीगढ़ में, जो मेयर का चुनाव है, और उस मामले की सुनवाई हो रही थी सीजेआई की अध्यक्षता में, जो पीठ बनी, तीन जजों की पीठ वो सुनवाई कर रही थी, जिसमें सीजेआई ने अपनी बातें रखी हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, बता चुके हैं। यहां तक उन्होंने कह दिया कि ये लोकतंत्र की हत्या है और इस निर्वाचन अधिकारी को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए, इस पर मुकदमा चलना चाहिए, ये सब बातें वो कह चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तीस्ता शीतलवाड़ पर भी उन्होंने ऐसी ही टिप्पणी की थी, जिनको शाम होते होते गिरफ्तार करके मुंबई से अहमदाबाद ले जाया गया था। लेकिन क्या चंडीगढ़ में कुछ हो रहा है ऐसा? अभी तक तो कोई खबर नहीं आ रही है जो आप तक हम पहुंचाएं। तो सब तरफ सन्नाटा है, शांति है, खामोशी है। लेकिन एक खामोशी यह भी है कि सीजेआई साहब ने ऐसी टिप्पणी कर कैसे दी, लोग एक खेमा यह भी पूछ रहा है। चलिए इसका जवाब 12 फरवरी को यानी आज से ठीक 6 दिन बाद मिल जाएगा, क्योंकि उस दिन फिर से इस पर सुनवाई होनी है। लेकिन दूसरी तरफ एक सुनवाई वहां विधानसभा में है, जो बिहार की विधानसभा है, और बिहार विधानसभा में यह सुनवाई होनी है कि नीतीश बाबू पास होंगे या फेल होंगे। 10 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, बजट सत्र, जो 6 तारीख यानी कल से शुरू होना था, लेकिन उस सत्र को आगे इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि नीतीश बाबू तैयार नहीं थे, या कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि अगर खेल हो गया तो फिर बेइज्जती हो जाएगी, और मोदी जी बेइज्जती पसंद करते नहीं, आप जानते हैं, क्योंकि उनको कितनी बार कहा गया कि आप मणिपुर जाइए, वो मणिपुर गए नहीं, क्योंकि उनको किसी ने कह दिया था इसीलिए नहीं गए। राहुल गांधी मणिपुर से पहुंच गए हैं अब झारखंड, और कल झारखंड से निकल के ओडिशा पहुंच जाएंगे। लेकिन ये तमाम राज्य और इन राज्यों में राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं उसमें एक बात साफ साफ दिखाई दे रही है कि वो अपने गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं, और इस गठबंधन को मजबूत करने वाले धर्म को अगर राहुल गांधी निभाते हुए मुंबई पहुंचते हैं, जो 20 मार्च को पहुंचने वाले हैं, तब तक कितनी मजबूती हो सकती है, जरा इसका आकलन करना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके जरिए। देखिए राजीव जी, राहुल गांधी जो यात्रा लेकर निकले हैं उसका घोषित उद्देश्य भले ही न्याय, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, लेकिन अल्टीमेट जो गोल है वो सत्ता के लिए कांग्रेस को मैदान में लाना और गठबंधन के जो दल हैं उनको साथ लेकर चलने का एक प्रयास है। सहज संयोग ही मानिए कि वे जहां जहां पहुंच रहे हैं यात्रा लेकर, वहां उनसे पहले, उनके पहुंचने से पहले बीजेपी मोदी शाह की जोड़ी कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है कि राहुल गांधी की यात्रा को फुटेज अपने आप मिल जाता है। पहले बिहार में हुआ, फिर झारखंड में हो गया। इतना जरूर कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता दिखाई देते हैं फिलहाल जो नरेंद्र मोदी से न डरते हैं न पीछे हटने को तैयार है। लेकिन उन एकमात्र के बाद जो दूसरी एक श्रृंखला है नेताओं की, उनमें आज की तारीख में हेमंत सोरेन का नाम एक बड़े नाम के रूप में स्थापित हो गया जी। प्रशांत जी ने कहा था कि आज की तारीख में हेमंत सोरेन देश के नेता के रूप में स्थापित हो गए, तो हेमंत सोरेन को थैंक यू मोदी जी कहना चाहिए कि मोदी जी की कृपा से हेमंत सोरेन और साथ में एक बाई प्रोडक्ट के रूप में चंपई सोरेन भी आदिवासियों के राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में स्थापित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसके लिए इसका श्रेय नरेंद्र मोदी और उनकी ईडी और सीबीआई वगैरह को जाता है। अब राहुल गांधी की यात्रा अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। उड़ीसा में कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं थी, बहुत कम संख्या में विधायक हैं वहां पर, लेकिन संयोग ऐसा है कि कांग्रेस ने उड़ीसा में ही एक प्रोजेक्ट लागू किया है राजीव जी, उसका नाम है न्याय प्रोजेक्ट। यह भी संयोग है कि उसका जो संयोजक बनाया गया वो ग्वालियर के भूतपूर्व विधायक प्रवीण पाठक हैं, जो अभी इस चुनाव में हार गए। पिछली बार उन्होंने तत्कालीन गृहमंत्री नारायण सिंह को हराया था। उन्होंने उस प्रोजेक्ट को कल उड़ीसा में भुवनेश्वर में लॉन्च किया है और राहुल गांधी वहां पहुंचने वाले हैं। यह भी कांग्रेस की और राहुल गांधी की मंशा के मुताबिक है कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से, और ये न्याय प्रोजेक्ट पार्टी के भीतर के लोगों के लिए है कि जो टिकट चाहते हैं उनके साथ न्याय हो, उसकी पूरी एक प्रक्रिया है, कोई आवेदन की प्रक्रिया है, ऑनलाइन आवेदन करना है, जिन्हें लोकसभा के टिकट चाहिए वगैरह वगैरह। तो राहुल गांधी की यात्रा जब वहां पहुंचेगी उससे पहले कल वो प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया, प्रवीण पाठक और डॉक्टर अजय कुमार जो भूतपूर्व आईपीएस अधिकारी हैं कांग्रेस के
राष्ट्रीय शायद प्रवक्ता हैं, उन्होंने उसको लॉन्च किया। कुल मिलाकर राहुल गांधी की यात्रा जब इसके बाद महाराष्ट्र पहुंचेगी और 16 तारीख को उत्तर प्रदेश पहुंचना है उसे, अग्नि परीक्षा तब होगी इसकी। उत्तर प्रदेश हम सब जानते हैं लखनऊ से होकर दिल्ली का रास्ता गुजरता है, अखिलेश यादव वहां बहुत बड़े एक साथी के रूप में अब तक डटे हुए हैं। भले ही नरेंद्र मोदी आज सदन में कह रहे हो कि इनका गठबंधन बनने से पहले ही टूट गया, बिखर रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन जो मैंने शुरू में कहा था, जो दो तीन बड़े नाम राहुल गांधी के साथ या कांग्रेस के साथ या मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए मैदान में टिके हैं, उनमें अखिलेश यादव और उससे पहले अभी महाराष्ट्र जब पहुंचेंगे राहुल गांधी तो उद्धव ठाकरे, बिहार में तेजस्वी यादव, सोरेन हेमंत साबित हो ही गए पक्के वाले सहयोगी। तो मुझे लगता है राहुल गांधी की ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, जब ये खत्म होगी तब तक राहुल गांधी और कांग्रेस और उनका गठबंधन एक मजबूत विपक्ष के रूप में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में नरेंद्र मोदी के सामने दिखाई देगा, ऐसा अब तक की उनकी कवायद से लग रहा है। ये जरूर देखना होगा राजीव जी, जिस तरह की आशंकाएं बनी रहती हैं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी और उनका जो सहयोगी गठबंधन है, उनके सहयोगी दल हैं, जिसमें मैं राजनीतिक दलों के नाम कभी नहीं लेता हूं, मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं कि चुनाव आयोग है, ईडी है, आईटी है, सीबीआई है, एनआईए है, मुख्यधारा का मीडिया है, वो भी तो एक घटक दल के रूप में बीजेपी के साथ काम कर रहा है। ये इस मार्च में यात्रा खत्म होने तक और कितनी तोड़फोड़ करने की कोशिश करेगा और कहां कहां तोड़फोड़ कर पाएगा ये देखना बाकी है। लेकिन मैं आपके उस जुमले पर फिर लौटता हूं जिसमें आपने कहा कि लोकतंत्र का पहिया उल्टा चलना शुरू हो गया है। एक खबर जो अभी आज की आई है, मुझे नहीं मालूम आपने उसका उल्लेख किया कि नहीं, जीतन राम मांझी के सुपुत्र हैं शायद संतोष सुमन उनका नाम है, मंत्री हैं अभी, वे इस्तीफा देने वाले हैं। अगर नीतीश कुमार को जितनी मोहलत दी जा रही है कि वे विश्वास मत साबित करें, अपना बहुमत साबित करें, ये मोहलत इसीलिए तो दी जा रही है, जो सत्र कल से शुरू हो रहा है उसको 10 तारीख को उन्हें बहुमत साबित करना था, 12 तारीख कर दिया गया, यानी आपको पूरा समय दिया जा रहा है कि आप जितनी तोड़फोड़ कर सकें कर लीजिए, लेकिन इस बीच में अगर उनके खेमे से तोड़फोड़ हो गई तो 12 तारीख को बिहार की विधानसभा में भी, पटना में भी, वो जो काल चक्र है वो उल्टा चलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो हमें इसकी प्रतीक्षा करनी होगी राजीव जी। जी प्रतीक्षा करनी होगी, 6 दिन, ज्यादा दिन नहीं। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। दिन और इन 6 दिनों में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारी खबरें हैं जो 12 तारीख को होनी है वो बाहर भी आ सकती हैं, जैसा अभी कह रहे हैं हमारे साथी डॉक्टर साहब डॉक्टर राकेश पाठक जी। और इसलिए इंतजार कीजिए थोड़ा सा, बिहार में क्या कुछ होने जा रहा है, झारखंड में बहुत ही सेफली यहां जो गठबंधन है महागठबंधन कांग्रेस जेएमएम आरजेडी और वाम दलों का, ये गठबंधन वहां आज पहली सीढ़ी जो है वो पार करते हुए और अपनी सरकार को सुरक्षित रखते हुए ये गठबंधन दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये परीक्षा उसने पास कर ली और एक नहीं बल्कि दो दो मजबूत नेता झारखंड ने, आदिवासी नेता झारखंड ने, और कहें शुक्रगुजार होना चाहिए हेमंत सोरेन को मोदी जी का कि उन्होंने ये मौका दे दिया है। अब आदिवासी नेता के रूप में, दलित नेता तो के सबसे बड़े जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं वो तो हैं ही, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर रहा हूं, एक आदिवासी नेता भी आ गए हैं और एक नहीं बल्कि दो दो, चंपाई सोरेन और हेमंत सोरेन, एक अंदर रहा तो बाहर वो बैंड बजाएगा, इतना तय मानिए। लेकिन इसके अलावा एक बात जो हमारे साथी लगातार कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, प्रशांत टंडन जी उसी सवाल के साथ आना चाहता हूं, लिखते हैं राजीव जी जितनी भी चर्चा करना है कर लो, ईवीएम है जब तक तब तक तो जीत होगी बीजेपी की ही। अब ये भरोसा कैसे वो किया जाए कि ईवीएम के बाद भी जीत हार में तब्दील हो सकती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में लगातार यही लग रहा था, वो यही कह रहे हैं या बीजेपी अब ये राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से ये मान रही है कि अब तो हम ही आ रहे हैं तीसरी बार भी, चारों तरफ इसी नैरेटिव को सेट करने की कोशिश हो रही है कि तीसरा टर्म भी इन्हीं का है और कोई नहीं है, इसीलिए अब आप इधर उधर अगर भटक रहे हैं तो भटकना छोड़ दीजिए और आप बीजेपी को वोट दे आइए, जो 5-10% 15% जो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं उन खासकर उनके लिए मैसेज है। लेकिन ईवीएम है तब भी आप हार सकते हैं, सब कुछ आप करने के बाद भी, बीईएल में 4 अपने लोगों को बोर्ड में बैठाने के बाद भी, क्या यह संभव है प्रशांत टंडन जी?
ईवीएम को कोई क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। ईवीएम को लेकर राजीव जी, मैं तो 2010 में ईवीएम को अपने स्टूडियो में एक्सपोज किया था मैंने, तो आज उसको 14 साल हो गए हैं, लेकिन और तब से मैं ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाता हूँ। मैं ये कहने वाला था राजीव जी कि न्यूज पॉइंट के अलावा कभी एक अलग से एक प्रोग्राम करके हम लोग एक घंटा ईवीएम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और उसमें ईवीएम के सारे आयाम की चर्चा हो जाए। दूसरी एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ राजीव जी, जो सवाल आपने उठाया, बहुत मैं देख रहा था, बहुत सारे साथियों कमेंट भी देख रहा था। देखिए, ईवीएम का बहुत सारा नैरेटिव, बहुत सारा जो मैसेजिंग है, वो बीजेपी आईटी सेल की तरफ से पिछले दरवाजे से आता है, और वो लोगों को हतोत्साहित करने के लिए आता है कि जो फ्लोटिंग वोटर है या जो वोटर है जो बीजेपी खिलाफ वोट देगा, वो उदासीन हो जाए, वो पैसिव हो जाए कि भाई हमारा वोट लेने का फायदा क्या, ईवीएम से तो जीत जाएंगे ये। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईवीएम के होते हुए भी अगर पॉलिटिकल पार्टियां सजग हैं, अगर समाज जगा हुआ है, तो ईवीएम के रहते हुए भी कर्नाटक हारे हैं, इसी ईवीएम से हिमाचल प्रदेश हारे हैं, इसी ईवीएम से तेलंगाना में चुनाव सरकार बदल गई, इसी ईवीएम से अभी मिजोरम में सरकार बदल गई, जहां पे बीजेपी का सहयोगी दल था सत्ता में, जहां पे बीजेपी की बी टीम थी तेलंगाना में। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि ईवीएम है तो गारंटी है, बिल्कुल नहीं है। अगर आप याद कीजिए कि मध्य प्रदेश का 2018 का चुनाव, ईवीएम को लेकर लोगों ने शोर मचाया, नतीजा क्या हुआ, हर राउंड के बाद रिटर्निंग ऑफिसर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, रिजल्ट बड़ी देर में आए, सरकार बन गई कांग्रेस की, वो तो बाद में ऑपरेशन लोटस के जरिए सरकार आपने वो की। तो ईवीएम और 400 सीट का जो ये शोर मचता है, ये सिर्फ इसीलिए है कि मैसेजिंग ऐसी करो कि जो फ्लोटिंग वोटर है वो हतोत्साहित हो जाए। और 2019 के चुनाव में भी राजीव जी, यही फ्लोटिंग वोटर था जो जिसने सरकार इनकी बचा ली। आप देखिए कि पुलवामा बालाकोट ने मोदी जी ने 2.5 महीने का इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी, तो चल गई। 14 फरवरी को घटना हुई और वो उसने चुनाव के रिजल्ट बदल दिए, जो कि सारे एग्जिट, सारे जो सर्वे थे वो बता रहे थे कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी जनवरी तक। और इस बार जो इंश्योरेंस पॉलिसी बालाकोट और पुलवामा में 2.5 महीने के लिए खरीदी थी मोदी जी ने और चल गई, इस बार राम मंदिर की इंश्योरेंस पॉलिसी 2.5 दिन में नहीं चली, 2.5 दिन के अंदर आपको कर्पूरी ठाकुर याद आ गए, नीतीश कुमार करना पड़ा, झारखंड करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं घबराहट बीजेपी के अंदर है और उनको मालूम है कि राम मंदिर का मुद्दा नहीं चल रहा है। मैं तो चैलेंज करता हूं कि आप लोग अपने अपने गांव, मोहल्ले, शहर में तफ्तीश कर लें कि जो झंडे राम मंदिर के लगे थे वो किसने लगाए थे। मैं तो पूछता हूं अपने आसपास। मुझे कल ही एक मोटरसाइकिल में लड़का जो झंडे लगा के घूम रहा था, मैंने पूछा भाई कहां से लाए, तो बोला ले आए थे, हमको कहीं से दे दिया गया, और पर लाइसेंस नहीं है, पुलिस रोकती नहीं है। ये बड़ी बात फायदा है, बड़ी बात बता रहे हैं कि अगर पुलिस आपके पास लाइसेंस नहीं है और पुलिस से बचना है, तो वो दो झंडे लगा के आजकल लड़के घूम रहे हैं, जय श्री राम लिखा हुआ भगवा छोटा सा पताका वो लगा के घूमिए जी। उसने हंसते हुए मुझसे ही कहा कि झंडे लगाने का फायदा ये कि पुलिस रोकती नहीं, लाइसेंस है नहीं मेरे पास। जी जी, डॉक्टर साहब भी कुछ जोड़ना चाहते हैं जी। डॉक्टर साहब जी, आवाज नहीं है, आवाज नहीं। एक लाइसेंस और था भगवा पटके का, अब तीन तीन लाइसेंस हो गए, दो झंडे और भगवा पटका डले हुए हैं।
जी पुलिस उनको रोकती नहीं है। अब देखिए मैं डॉक्टर राकेश पाठक से कहना चाहता हूं कि वो कह रहे थे कि हेमंत सोरेन जो है राष्ट्रीय नेता आदिवासियों के बन के निर्विरोध बन के, उसका बड़ा श्रेय मोदी जी को ईडी को जाता है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भाई चार आने का श्रेय जो है वो सुधीर चौधरी को भी दें। हाँ बिल्कुल, उनको भी दिया जाएगा उनको उनका भी हक है पूरा। तो बिल्कुल है, देखिए विधानसभा बिहार की विधानसभा में जो होना है वो उसका बहुत असर झारखंड का रिफ्लेक्शन होगा। ईडी का चित्त होना और झारखंड में जो हार हुई है बीजेपी की उसका एक संदेश बिहार में जाना ही है, अनिवार्य रूप से जाना है। और इसलिए आप देखिएगा कि बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा ये जो फ्लोर टेस्ट है नीतीश कुमार के लिए और बीजेपी के लिए भी। राजीव जी, जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, एक चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है नीतीश कुमार के लिए फ्लोर टेस्ट। आज से ठीक आज के छठवें दिन यानी 12 तारीख को वो फ्लोर टेस्ट होना है। आज 5 तारीख है और 12 तारीख को है, 10 तारीख से ये विधानसभा का सत्र उसकी शुरुआत हो रही है और जो कल से होनी थी यानी 6 तारीख से होनी थी। लेकिन क्यों आखिर डर गई बीजेपी, क्यों एनडीए की सरकार जो बिहार में वो उसको 6 तारीख से इस सत्र को बढ़ाकर 10 तारीख से करना पड़ा, कारण क्या है? अगर इसकी तह में जाएंगे तो कारण आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, जिसकी चर्चा पिछले घंटे भर से हम कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि शायद ये फ्लोर टेस्ट हम ना जीत पाएं, क्योंकि न सिर्फ बीजेपी के कुछ विधायक बल्कि जेडीयू के भी कुछ विधायक और जीतन राम मांझी भी कहीं ना कहीं आगे पीछे वो उनकी स्थिति डामाडोल होती हुई डगमग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वैसी स्थिति में चिराग पासवान भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान के लिए इस बार का यानी लोकसभा चुनाव करो या मरो वाला है। जो कह रहे थे अभी तक कि हम हनुमान हैं, हनुमान किसके, तो मोदी जी के हनुमान हैं, वो मोदी जी के हनुमान आगे क्या कुछ करने जा रहे हैं, या उनको हनुमान की भूमिका में मोदी जी रखते हैं या नहीं रखते हैं, चाचा को भी अपने साथ रखेंगे और भतीजा को भी साथ रखेंगे और दोनों को लड़वाएंगे, अगर ये करना है तो ये बात जितने भी समझदार लोग हैं राजनेता हैं उनको तो समझ में आती होगी। चुनाव का वक्त है और जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी सवा महीने बाद, अगले महीने मार्च के 10 तारीख को फाइनल वो आना है, फाइनल सूची आनी है और 11 या 12 को आप देखेंगे चुनाव की घोषणा हो जाएगी, मार्च की बात कर रहा हूं। उसके बाद 2 महीने में सब कुछ फिनिश, तीसरे हफ्ता मई में सरकार बननी है, यानी कि कहीं ना कहीं मई के तीसरे वीक में आप देखेंगे कि रिजल्ट सामने है, किसकी सरकार बनेगी। और आज मोदी जी जो भाषण दे रहे थे उस भाषण में वही कह रहे थे कि अब कुछ महीने में हमारा तीसरा टर्म आने वाला है और उस टर्म में हम बहुत कुछ परिवर्तन करने जा रहे हैं, ये देश बहुत बड़े बड़े परिवर्तन देखेगा। क्या वही सारे परिवर्तन देखेगा जिसका जिक्र कई बार कई सारे जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं या विपक्ष के नेता हैं वो करते आए हैं, या कुछ और देखेगा देश, या ये सब होगा ही नहीं? क्योंकि आज एक जिक्र ये भी कर रहे थे डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, प्रशांत टंडन जी, ठीक है आप बोलिए फिर उसके बाद दीपक पाचपोर जी के पास भी आता हूं क्लोजिंग कमेंट के लिए, क्या ये होगा ही नहीं? एक जिक्र और भी कर रहे थे प्रशांत जी प्रधानमंत्री, कि मैंने जो कहा लाल किले के भाषण में कहा कि मैं तीसरी बार आ रहा हूं, वो अब दिख रहा है। ये जो है वो फ्लोटिंग वोटर्स को अपनी तरफ खींचने का, और साथ साथ इसमें ईवीएम बहुत सारी चीजें, इस गणित को दोस्तों आप समझिए कि चल क्या रहा है, इस राजनीति के अंदर खाने जरा झांकने की कोशिश कीजिए प्रशांत टंडन जी। जी मैं वही बात कह रहा था कि ये बार बार ये कहना है कि मैं तो आ ही रहा हूं, ये कंक्लूजन दे देना कि तीसरी हैट्रिक लगी रही है, ये लोगों के में एक बैठा देना कि हाँ भाई ये तो मोदी जी तो बगैर चुनाव के आ गए। और मुझे याद आता है राजीव जी कि जो उनका हैट्रिक का दावा है वो मैं जब मैं छात्र जीवन में था तो उस वक्त एक साहब ने गांव में ये कह दिया कि उनका बेटा आईएएस हो गया। तो मैंने पूछा भाई कैसे हो गया, तो क्या एक इम्तिहान दिया है, एक इम्तिहान और देना है, इंटरव्यू, उसके बाद पोस्टिंग। तो ठीक है बगैर जी
बगैर चुनाव हुए आपको क्या मालूम है कि आप तीसरी बार आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? क्या पता आपकी 100 सीटें भी नहीं आए? जनता के दिल में क्या है आप नहीं जानते? मैंने तो रायबरेली का चुनाव देखा है जहां इंदिरा गांधी 55,000 वोट से हार गई, लोगों को विश्वास नहीं था, और वहां पे यशपाल कपूर और तमाम लोग थे, उनको उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इंदिरा गांधी को फोन करके बताएं कि मैडम आप चुनाव हार गई हैं, विश्वास नहीं था किसी को हो रहा था। और वो रायबरेली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने विनोद मल्होत्रा उनका नाम था, उन्होंने फोन करके बताया प्रधानमंत्री को, तो इतना आत्मविश्वास उनको भी था। लेकिन ये हमने इतिहास में देखा है कि इस तरीके का आत्मविश्वास चलता नहीं है। तो चुनाव के पहले ये दावा करना बार बार कि हम तो आ ही रहे हैं, जनता इतनी बेवकूफ भी नहीं है राजीव जी इस देश की। बिल्कुल प्रशांत जी, ग्वालियर में, हाँ प्रशांत जी, ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी 1984 में माधवराव सिंधिया से 1.5 लाख वोटों से चुनाव हार गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मभूमि है ग्वालियर, हमने अपनी आंखों से उस प्रचार को देखा, उस पूरे चुनाव को देखा था। तो इस देश में कोई भी चुनाव हार सकता है, इंदिरा गांधी रायबरेली में हार सकती है, अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर में चुनाव हार सकते हैं, तो कोई भी कहीं भी चुनाव हार सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, मोदी जी भी बनारस से चुनाव हार सकते हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है। और अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, बहुत कुछ आने वाले समय में आप देखेंगे, क्योंकि ये 2019 नहीं, ये 2024 है, और 2024 में अभी आप झारखंड के उन ग्रामीण अंचल के, मैं अभी कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, क्लोजिंग कमेंट के साथ साथ उस रिपोर्ट के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। कुछ आदिवासी महिलाओं से, बच्चों से, बूढ़ों से, उस तबके के लोगों से, गांव के लोगों से पत्रकार जब बातें कर रहा है तो वो सीधे सीधे बीजेपी के खिलाफ वो लोग बातें कर रहे हैं। ये आदिवासी समाज के लोग हैं, परिवर्तन कैसे होता है वो दिखाई दे रहा है। हमारे एक साथी बार बार लिख रहे हैं कि अगर ईवीएम में कुछ नहीं था तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव क्यों हार गई कांग्रेस पार्टी। एक सबसे बड़ी बात है कि तब कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ इन तीनों राज्यों में ईवीएम की रक्षा नहीं की, ये भी आप याद रखिए, ईवीएम की रक्षा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश में डॉक्टर राकेश पाठक जी बताएंगे, उसी ग्वालियर में और अलग अलग जगहों पे रखवाली करते हुए नजर आए थे कांग्रेस के लोग, और वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी स्ट्रांग रूम जो है जहां पर बैलेट पे ईवीएम रखी जाती हैं, वहां वो रखवाली करते हुए नजर आए थे भूपेश बघेल और उनकी टीम। लेकिन इस बार क्यों नहीं रखवाली की आपने? ये जो हेर फेर है, बिल्कुल ग्वालियर, फिर महीने भर पहले जो चुनाव होता है उसमें ज्यादा और 3 दिन में कम क्यों होता है, इसको भी, इन आंकड़ों को जो हमारे साथी प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं, एक बार ईवीएम पे बात करेंगे, उन तमाम मसलों को सामने लाएंगे कि ये हेर फेर कहां होता है, किन किन जगहों पर होता है, किस गैप में होता है और कितना होता है, वो जरूर आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन क्लोजिंग कमेंट डॉक्टर दीपक पाचपुर जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज जी। क्या आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी। देखिए ईवीएम पर काफी बातें हो चुकी है, लेकिन इसमें असली बात यह है कि आपको अलर्ट रहना है, ये संदेश जो है अब तमाम राजनीतिक दलों में चला गया है। ये बात जरूर है कि पिछले बहुत सारे चुनाव जो है काफी हल्के में लिए गए, लेकिन आप ये भी देखिए जहां जहां भी राजनीतिक दल, मतलब गैर भाजपाई दल या जो मुख्य कंटेस्टेंट थे, वो जहां भी सावधान रहे वहां पर नतीजा बेहतर आया। सबसे इसका बढ़िया उदाहरण जो है वो पिछले उत्तर प्रदेश का चुनाव है 2022 का, जब वहां पर जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो आप याद कीजिए कि सबसे पहले तब लोगों को पता चला कि अच्छा इतने बड़े पैमाने पर जो है ईवीएम की गड़बड़ियां होती हैं। आप याद कीजिए वाराणसी, गोरखपुर, बहुत जगह पर जो है शाम के बाद जो है बकायदे ट्रांसपोर्ट होती हुई ईवीएम की मशीनें पकड़ी गई थी, कभी किसी की कार से जब्त हो रही थी, कभी एसडीएम उसको अपनी जीप में ले जा रहे थे। तो उसके बाद कहीं पहली बार लोगों की आंखें खुली थी। इसमें कोई शक नहीं कि इसको रखवाली करना कहना आसान है जब सब कुछ, लेकिन एक सरकारी मशीनरी के अधीन होता है तो वहां पर हेरा फेरी किस प्रकार से कर ली जाएगी ये कहा नहीं जा सकता। बस हम यही कह सकते हैं कि आपको अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि अब ये देखिए सब चीज जब जाहिर हो गई है कि ईवीएम का है बहुत बड़ा खेल है। राजू जी, कल जब आपने अभिषेक मनु सिंघवी का जब इंटरव्यू लिया था तो आपने इसका भी जिक्र किया था ईवीएम का, तो
एक तरह से देखिए कि जिन जिन कारणों से भारत में इस समय जो है भय का वातावरण है, उसे बहुत सारे जो कारण है उसमें ईवीएम भी है। ये भी भय का ये कारण है कि आप जिसको वोट दे रहे हैं क्या वहां तक वोट पहुंच रहा है, आप जो सरकार चुनना चाहते हैं क्या वह सरकार चुनी जा रही है। इससे बड़ा भय मुझे लगता है कि किसी लोकतंत्र में हो ही नहीं सकता। किसी की चोरी हो जाए, किसी की हत्या हो जाए, इससे भी सबसे बड़ा भय यह है कि आपका जो है वोट वो सही जगह नहीं जा रहा है। मुझे लगता है इससे ज्यादा खतरनाक बात कुछ हो नहीं सकती। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जितना ज्यादा शोर ईवीएम के बारे में हुआ है उससे इस बार 2024 का सारे के सारे राजनीतिक दल जो है निश्चित रूप से सतर्क होंगे, क्योंकि इस समय एक एडवांटेज ये है विपक्ष के पास कि इस समय वो पूरा का पूरा एकजुट है। सारे जितने भी विपक्षी दल हैं जो इंडिया गठबंधन के अंतर्गत है उनके अंदर भी ये मैसेज है कि आपको ईवीएम की रक्षा तो है निश्चित रूप से करनी ही पड़ेगी। अंतिम बात देखिए कि बिहार के बारे में मैं कह दूं कि बिहार में जब तक विश्वास मत हासिल नहीं किया जाता तब तक ही जो है नीतीश कुमार जो है वो चैन से रह पाएंगे। उसके बाद अगर मान लो खुदा न खासा जीत भी जाते हैं विश्वास मत, मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल शुरू भी कर देंगे, तो आप यकीन जानिए कि उसके बाद भी उनको मुख्यमंत्री के रूप में काम करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उनके उनके पास दो तरह के आंतरिक विद्रोही होंगे, भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लोग उन्हें तंग करेंगे और दूसरा जो है उनकी अपनी पार्टी के लोग उन्हें तंग करेंगे। तो आसान नहीं है विश्वास मत, हो सकता है कि जीत भी ले, हालांकि उसके चांस बड़े कम लग रहे हैं। जो संकेत है ऐसा लग रहा है कि उनके लिए विश्वास मत हासिल करना नीतीश कुमार के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन जीत लेते हैं तो उसके बाद उनको सरकार चलाना और भारी पड़ जाएगा ऐसा मुझे लगता है, और इसका असर जो है देश पे जरूर जाएगा हमको ऐसा लग रहा है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज आप अब क्लोजिंग हम बिल्कुल अब खत्म करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे तो वो कह रहे थे कि सबसे बड़ा ओबीसी जो है मैं खुद हूं। राहुल गांधी ने अभी से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है इसी मसले पे, लिख रहे हैं राहुल गांधी कि प्रधानमंत्री इस बीच अक्सर कह रहे थे कि देश में सिर्फ दो जातियां हैं, अमीर और गरीब, मगर आज संसद में उन्होंने खुद को सबसे बड़ा ओबीसी बताया। किसी को छोटा और किसी को बड़ा समझने की इस मानसिकता को बदलना जरूरी है। ओबीसी हो, दलित हो या आदिवासी, बिना गिनती के उन्हें आर्थिक और सामाजिक न्याय नहीं दिलाया जा सकता। मोदी जी इधर उधर की इतनी बातें करते हैं तो गिनती से क्यों डरते हैं, ये कह रहे थे इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। और ओबीसी तो एक भटकाव नजर आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं भटके हुए नजर आ रहे हैं। कभी चार जातियों की बात करते हैं देश में, कभी दो जातियां गरीब और अमीर की बात करते हैं, तो कभी कुछ और कहते हैं। और ये आज जब संसद में थे तो अपने आप को सबसे बड़ा ओबीसी कह रहे थे, कर्पूरी ठाकुर फिर से याद आ रहे हैं। तो ये जो बातें हैं ये महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि यहां राहुल गांधी उस भटकाव को, मोदी जी के उस भटकाव को पकड़ के कैच करके और उनके ऊपर ही बॉल थ्रो कर रहे हैं। तो चलिए बहुत बातें यहां आगे आती रहेंगी और ऐसी ही चर्चा वार पलटवार के साथ साथ होती रहेगी। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपका इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।